तो हेलो कोडर्स, तो सर आज की इस वीडियो में मैं आपको HTML सिखाऊंगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और यार इस कोर्स के बाद आप CSS स्टार्ट कर सकते हो, लर्न करना इसी कोर्स के बाद। और यार इस कोर्स में आपके मैं सबके सभी HTML के अंदर जितने भी डाउट्स है वो सबके सभी क्लियर करूंगा। और इस कोर्स में हम HTML यार काफी अच्छे से सीखेंगे, हम पूरी HTML सीखेंगे। क्या कहते हैं, इस कोर्स के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस यार अगर आप मेरे चैनल पे नहीं आते और सब्सक्राइब करना, उस बेल वाले आइकन को और पे करना मत भूलना। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो HTML लर्न करने से पहले हमें एक यार कोड एडिटर चाहिए होगा, एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा। अब यार ये कोड एडिटर क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर क्या होता है यार? अब हम जो HTML लिखेंगे हम कहीं पर तो लिखेंगे ना, किसी सॉफ्टवेयर में तो लिखेंगे यार। आप चाहो तो HTML नोटपैड में भी लिख सकते हो यार, पर मैं कोड एडिटर इसलिए डाउनलोड कर रहा हूँ क्योंकि यार हमें काफी सारी हेल्प मिल जाती है, हमें काफी सारी सुजेशन मिल जाती है। और यार मैं ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगा, बस मैं आपको कहूंगा कि आप अपने ब्राउजर पे VS कोड एडिटर या फिर सीधा को VS कोड डाउनलोड, और आपको जो फर्स्ट लिंक आएगा code.visualstudio.com का उसके ऊपर आप क्लिक करना। और यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, ऊपर डाउनलोड का बटन शो हो रहा है, वहां पर आप क्लिक करके यहाँ पर इस पेज पे आ सकते हो। अगर आप सीधा इसी पेज पे आ गए हो तो यार अच्छी बात है। तो यार आपको यहाँ पर तीन ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहे हैं यार, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप डाउनलोड कर लेना। मेरा विंडोज है तो मैंने विंडोज के लिए इसे पहले से क्या कहते हैं यार इसका सेटअप डाउनलोड कर लिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल जे कर भी, ये देखो इसका सेटअप है, तो मैं इसका सेटअप रन करूंगा और मैं आपको दिखाता हूँ यार। तो यार जैसे आप इसका सेटअप रन करोगे तो आपको सबसे पहले लाइसेंस एग्रीमेंट आ जाएगा। तो यार लाइसेंस एग्रीमेंट को आपको एक्सेप्ट करना है। आप ये पढ़ सकते हो या रीड कर सकते हो, आपके ऊपर है। मैंने रीड किया हुआ है, मैंने क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर क्या कहते हैं मेरा पूरा विश्वास है। तो मैं इसे आईएसएफ के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आप ध्यान रखना कि सभी आइकन टिक रहे, नीचे वाले आइकन खास करके आपको सभी टिक होने चाहिए, आप ये ध्यान रखना प्लीज। और यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना, उसके बाद इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना, और ये काफी जल्दी आपके पीसी के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। यार मैं आपको सीधी बात बता दूं यार, एक ये VS Code Editor काफी लाइटवेट टेक्स्ट एडिटर है, कोड एडिटर है। और यार इसके अंदर हमें काफी सारी चीजें मिल जाती है, जिससे क्या होता है हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, हमारी वेबसाइट बनाने में हमें काफी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड को ऐसे टिक रहने दूंगा और उसे फिनिश करूंगा, और मेरा विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर ओपन हो जाएगा। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, एक गेट स्टार्टेड स्क्रीन दिख रही है और साइड में मुझे ओपन फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है। अब यार देखो जब आप मतलब यार जब आप भी ओपन करोगे तो आपको शायद कैट स्टडी स्क्रीन दिखे, पर यार अगर आपको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा तो यार ऊपर वाले जो ऑप्शन है वो पक्का सेम होंगे। तो आपने करना क्या है, एक क्या कहते कोई भी फोल्डर क्रिएट कर लेना, जैसे HTML ट्यूटोरियल आपका अब इस ट्यूटोरियल के लिए, और उसे ओपन कर लेना अपने VS Code Editor के अंदर। और यार मैंने पहले से एक फोल्डर बनाया हुआ है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, उस फोल्डर को मैंने ओपन कर लिया हुआ है, आप देख सकते हो, इसका नाम है HTML ट्यूटोरियल। अगर आपने जब हम इंस्टॉल कर रहे थे VS Code Editor, जब आपने वो सभी टिक जो मैं आपको कह रहा था अगर आपने वो किए हैं तो आप अपने फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके उसे ओपन विद कोड का आपको ऑप्शन मिल जाता है, उसे आपके VS Code Editor में डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा ये मेरा फोल्डर। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये मेरा फोल्डर ओपन हो गया। अब यार मैं जो भी VS Code Editor के अंदर यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल बनाऊंगा, कुछ भी बनाऊंगा, तो वो मेरा साथ में मेरे क्या कहते हैं फोल्डर के अंदर भी साथ में क्रिएट हो रही है, आप देख सकते हो। तो यार बिना किसी टेंशन के लिए यार चलो इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये वाली अपनी txt फाइल डिलीट कर दूंगा। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक index.html नाम की फाइल बनाऊंगा। क्या करूंगा, index.html नाम की फाइल बनाऊंगा। अब यार मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, अब यार जो भी HTML के अंदर हम जो भी HTML का कोड लिखते हैं वो यार सभी के सभी टैग्स होते हैं। क्या होते हैं, HTML only contains tags। इसका मतलब क्या है यार, मतलब यार HTML के अंदर हर एक चीज टैग में होती है यार। मतलब हमें कोई इमेज यूजर की बतानी है, क्या कहते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर शो करनी है, तो हमें हमारे लिए उसके पास मतलब इमेज के लिए एक टैग होगा, इमेज टैग होगा। कोई लिंक बताना अपनी वेबसाइट में मतलब HTML के मतलब वेबसाइट के अंदर, तो हमारे पास उसके लिए एक टैग होगा। यार मतलब सबका सब कुछ काम टैग्स में होता है HTML के अंदर। तो यहाँ पर यार अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। अब एक बॉयलर प्लेट एक कोड आपको सभी HTML मतलब यार सभी मैं HTML सॉरी कह रहा हूँ मतलब सभी वेबसाइट में आपको सेम मिलेगा, वो क्या है। और ये कोड जब भी आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो आपको ये हमेशा रखना ही पड़ता है HTML के अंदर। इसे हम कहते हैं HTML के स्टार्टर प्लेट कह लो, बॉयलर प्लेट कह लो, इसे हमें रखना ही पड़ता है। और इसके अंदर ही हम अपनी क्या कहते हैं वेबसाइट का जो भी कोड है वो लिखते हैं।
यार ये क्या है बोलर प्लेट, और ये हमें हर एक मतलब यार हर एक वेबसाइट में होता ही है, आप देख सकते हो, आप इंस्पेक्ट करके देख सकते हो, हम आगे अभी कुछ वेबसाइट पे इंस्पेक्ट करके देखेंगे। पर यार सबसे पहले देख लेते कि ये कोड क्या है। तो सबसे पहले आपको डॉक टाइप बताना होता है अपने क्या कहते फाइल का, मतलब आपके डॉक्यूमेंट का क्या टाइप है, सबसे पहले आपको वो बताना होता है। तो वो आपको कैसे बताना है, आपने यहाँ पर यार अगर आप यस को रेक्टा के अंदर हो तो यहाँ पर आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पर टाइप करो डॉक टाइप। ये यहाँ पर मेरे पास आ नहीं रहा, तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसे सिंपली लिखता हूँ डॉक नहीं, तो यार मैं हम सीधा लिख लेते हैं यार, पता नहीं क्यों इसका मैं बोल रहा हूँ। तो आप क्या करो, अब ये ब्रैकेट्स ओपन करो, जैसे मैंने आपको बताया था क्या कहते हर एक चीज टैग के अंदर होती है HTML के अंदर। और टैग कैसे स्टार्ट होता है, टैग ऐसे स्टार्ट होता है, हम पहले ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, उसके अंदर टैग का नेम लिखते हैं, फिर उसी क्या कहते टैग को क्लोज भी करते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा टैग है, ये है डॉक टाइप। और यार ये डॉक टाइप हमें क्या कहते ऐसे लिखना होता है, हमें सबसे ब्रैकेट ओपन करनी होती है, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क देना है, उसके बाद हमें लिखना होता है डॉक टाइप, और उसके बाद हमें यहाँ पर सिंपली लिखना होता है HTML। यार इस लाइन का मतलब क्या है, यार ये बता रही है, मैं आपको यहाँ पर सीधा बता देता हूँ। ओके, तो मैं इसे यहाँ पर इसे कमेंट कर देता हूँ, यार ये कमेंट्स क्या है उसके ऊपर आप ध्यान मत देना। तो ये क्या बता रही है, क्या कहते हैं इसका मतलब है हमारे डॉक्यूमेंट का क्या टाइप है। तो हम यहाँ पर बता रहे हमारे डॉक्यूमेंट का टाइप है HTML, ठीक है। हाँ, और उसके बाद आपको यहाँ पर फिर HTML टैग देना पड़ता है, HTML टैग देना पड़ता है, और वो आप कैसे दे सकते हो, अगर आप VS Code Editor के अंदर आप सिंपली लिखो यहाँ पर HTML, तो आपका VS Code Editor अपने आप ही आपके लिए HTML का ओपन टैग भी जनरेट कर देगा और उसे क्लोज भी कर देगा, आप देख सकते हो। और जो आप ये लेफ्ट साइड पर टैग देख रहे हो, इसे हम कहते हैं यार ओपन टैग, और हमें जैसे हमने देखो यार HTML का टैग ओपन किया, हमें राइट साइड पे उसे क्लोज भी किया। और क्लोज कैसे करते हैं, बस जब जैसे हम ओपन करते हैं, ओपन में हम स्टार्टिंग में स्लैश नहीं देते, और क्लोज करने वक्त हम स्टार्टिंग में स्लैश देके इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और यार हमें ये HTML क्या कहते हैं, ये HTML का टैग देना पड़ता है, और ये हमारा रूट मतलब यार टैग होता है, रूट एलिमेंट होता है। इसके अंदर हमें दो टैग और देने पड़ते हैं, जो होता है एक हेड। अगर ये हेड टैग क्या होता है, ये हेड टैग हमारे जो भी क्या कहते हैं HTML फाइल का कुछ मेटा डाटा रिप्रेजेंट करता होता है, मतलब कुछ मेटा डाटा मतलब हमारी HTML की फाइल के बारे में कुछ डाटा रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद हमें देना होता है बॉडी टैग। बस यार अगर आपने इतना काम कर लिया है, बस यार यही कोड हमें हर एक वेबसाइट में मतलब यार देना पड़ता है, इसे हम मतलब ये हमारी एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करती है, ये जो बॉयलरप्लेट आप देख रहे हो, और ये हर एक वेबसाइट पे आपको कॉमन मिलेगा। इसे यार होता ही ये क्या कहते हैं, ये जो आप कोड देख रहे हैं, तो अगर इसे मैं सेव करूंगा, और यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, आप अगर आपने VS Code Editor मेरे साथ क्या कहते हैं यार यूज कर रहे हो इस ट्यूटोरियल के साथ, तो आप क्या करो एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करो, और यहाँ पर सर्च करो लाइव सर्वर, क्या सर्च करो लाइव सर्वर। अब यार ये लाइव सर्वर हम एक्सटेंशन क्यों ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पर मैंने लीवर सर्वर लिख दिया था, सॉरी यहाँ पर लाइव सर्वर ये एक्सटेंशन आ गया, और मैंने इसे पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, आप भी इसे इंस्टॉल कर लेना। ये लाइव सर्वर हम इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप अपनी HTML फाइल बनाओगे, और अगर आपके पास लाइव सर्वर क्या कहते हैं एक्सटेंशन है, तो आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करो अपनी HTML फाइल के ऊपर, वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन विद लाइव सर्वर का, और आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, तो आपकी जो भी HTML फाइल है आप देख सकोगे वो आपके ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएगी, और आप जो भी HTML लिख रहे हो वो आप अपने ब्राउजर में देख सकते हो कि हमारी HTML कैसे दिख रही है, मतलब हमारी वेबसाइट कैसी शो हो रही है। तो अभी तक हमने कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि पर मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। हमें यहाँ पर अपने एलिमेंट्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट आई तो बाकी आप डेवलपर टूल्स खोल सकते हो। डेवलपर टूल्स होते क्या है, हम सीधा बताता हूँ यार। इससे मतलब आप अपनी क्या कहते हैं जो भी आप वेबसाइट है उससे आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, उसके HTML मतलब देख सकते हो, या इंस्पेक्ट कर सकते हो उसके एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी हमने कोड लिखा था वो यहाँ पर आ गया हुआ है, डॉक टाइप भी आ गया हुआ है, बॉडी भी आ गई है, मतलब जो जो हमने लिखा हुआ था, ठीक है। अब यार जो हमने ये कोड लिखा है, क्या ये सभी वेबसाइट में कॉमन होता है, यानी ये मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए क्या करूंगा, जो हम ये विजुअल स्टूडियो कोड की ये वेबसाइट पे है ना, इसे भी मैं इंस्पेक्ट करूंगा। और आप देखना इसमें भी यार सबसे पहले डॉक टाइप है, उसके पास HTML वाला टैग है, उसके बाद हेड टैग है, और फिर बॉडी टैग है, और फिर इसके बाद ये HTML वाला ये टैग क्लोज हो रहा है।
फिर ये हर एक वेबसाइट पे जो हमने कोड दिया है ये हर एक वेबसाइट में सेम होता है, क्यों? क्योंकि ये हमारा स्ट्रक्चर बताता होता है और इसके अंदर ही हम अपनी वेबसाइट का जो भी मतलब एचटीएमएल है वो लिखते हैं। वो हर एक वेबसाइट का अलग हो सकता है, मतलब जैसे इनकी वेबसाइट का अलग है, विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट का अलग है, थोड़ी एचटीएमएल है क्योंकि इन्होंने अपने हिसाब से हम एचटीएमएल लिखते हैं और मतलब अपने हिसाब से हम डिजाइन बनाते हैं अपनी वेबसाइट का। तो यार जो स्ट्रक्चर होता है मतलब आप समझ सकते हो, जो ये स्टार्टर ये बॉयलर प्लेट होती है ये सभी वेबसाइट में सेम होती है। बाकी की सभी चीजें जो हम क्या कहते हैं अपनी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए डाटा मतलब या जो भी हम कोड लिखते हैं वो यार अलग हो सकते हैं, पर यार टैग्स वगैरह तो सेम ही होते हैं उसको, और बस यार मतलब यार डिजाइन चेंज होता है, बाकी सारा तो एचटीएमएल तो सेम ही होती है यार। ठीक है, हाँ तो अब हम अपना ये डाउनलोड्स वाला टैब क्लोज कर दूंगा। तो अब यार हम कुछ और भी चीजें देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इनकी जो वीएस कोड एडिटर की क्या कहते हैं ये वेबसाइट है, इन्होंने ऊपर ये टाइटल भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? ये टाइटल भी दिया हुआ है जहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, और हमारे यहाँ पर कुछ और ही दिख रहा है। और अगर आप भी अपनी वेबसाइट का टाइटल ऐसे यार मतलब क्या करना चाहते हो, खुद से रखना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, जो हेड टैग के अंदर आपके पास क्या कहते हैं एक टाइटल आप टैग यूज कर सकते हो, टाइटल टैग। और यहाँ पर टाइटल टैग कैसे आपने यूज करना, बस अगर आप वीएस कोड एडिटर के अंदर हो तो सिंपली आप लिखो टाइटल, और वीएस कोड आपके लिए टाइटल टैग को मतलब यार टाइटल टैग का ओपन टैग आपके लिए जनरेट कर देगा और उससे क्लोज भी अपने आप कर देगा। और इसके अंदर इस टैग के अंदर आप जो भी मतलब यार लिखोगे वो आपकी आपके इस क्या कहते हैं आपकी वेबसाइट की ये एचटीएमएल फाइल का टाइटल बन जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा जैसे होम पेज, तो यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ और यहाँ पर आ गया हमारे पास होम पेज। फिर अगर आपके पास लाइव सर्वर है तो जैसे आप सेव करते हो तो आपको साथ में चेंजेस देखने को मिल जाते हैं आपके एचटीएमएल फाइल के जो भी आपने किए हैं आपके वेब ब्राउजर के अंदर, आपको रिफ्रेश करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ होम पेज ऑफ माय वेबसाइट, तो यहाँ पर मुझे होम पेज ऑफ माय वेबसाइट ये टाइटल में देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे हम कस्टम टाइटल भी सेट कर सकते हैं एचटीएमएल की मदद से हमारी वेबसाइट के लिए। ठीक है, हाँ तो यार अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जो भी हमने ये लिखा है ये तो काफी अच्छा है, ये तो हमें समझ आ गया बॉयलर प्लेट कैसे लिखनी है, पर यार मैं आपको एक और शॉर्टकट बताता हूँ कि जिससे आपको ये लिखना भी नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या, दो मिनट रुको मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं इसे कमेंट कर लेता हूँ सबसे पहले, और मैं ऐसे करता हूँ इस फाइल को छोड़ देता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक नई फाइल बनाता हूँ home.html नाम की। और यहाँ पर अब यार मैंने आपको जैसे बताया था कि जो हम ये देख रहे हैं ये हर एक वेबसाइट में सेम होता है, ये स्ट्रक्चर हमारे हर एक वेबसाइट में ये बॉयलर प्लेट सेम होती है, ये हमें देनी ही पड़ती है क्योंकि ये हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बताती है। यहाँ पर अब यार वीएस कोड एडिटर यार हमने इसलिए इंस्टॉल किया कि हमारी क्या कहते हैं कम एफर्ट में सबसे अच्छी वेबसाइट बन जाए, मतलब यार हमें कोड भी ना ज्यादा लिखना पड़े, और अगर हमें कोड ज्यादा भी लिखना है तो वीएस कोड एडिटर हमारी मदद करे। यार अब ये बॉयलर प्लेट जैसे हर एक वेबसाइट में सेम होता है ना, तो यहाँ पर वीएस कोड क्या कहता है, आप वीएस कोड कहता है कि बस आप मुझे हिंट दो कि आपको ये बॉयलर प्लेट चाहिए, और वीएस कोड एडिटर आपके लिए खुद वो बॉयलर प्लेट सबकी सबकी लिख देगा और आपको दे देगा, और उसके अंदर आप अपना जो भी काम करना चाहते हो कर सकते हो। मतलब कैसे, अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क दो वीएस कोड एडिटर के अंदर, तो यहाँ पर आपको ये क्या कहते हैं एमिट मिलेगी, आपको ये सजेशन देगा, और जिसमें आप देख सकते हो ये आपको पूरी की पूरी बॉयलर प्लेट दिखा रहा है। तो जैसे आप एंटर दबाओगे तो वीएस कोड आपके लिए बॉयलर प्लेट आपको अपने आप लिख के दे देगा। और यार जैसे हमें ये वेबसाइट में हर एक वेबसाइट में कॉमन होती है तो हमें ये चाहिए चाहिए, तो हमें यार ये खुद नहीं लिखनी पड़ी, वीएस कोड एडिटर ने हमें ये खुद ही दे दी है। इसने साथ में हमें टाइटल टैग भी दिया जो हमने अभी लास्ट वीडियो में मतलब लास्ट अभी इस index.html में देखा था, और हम इसने हमारे लिए ये हेड टैग भी रख दिया, एचटीएमएल टैग को ओपन भी कर दिया, क्लोज भी कर दिया, डॉक टाइप भी बता दिया हमारी इस क्या कहते इस फाइल मतलब इस हमारी वेबसाइट का, और क्या कहते और यार बस और क्या चाहिए हमें, क्योंकि यार ये तो सभी में कॉमन होता है, हमारा पूरा स्ट्रक्चर इसने हमारे लिए बॉयलर प्लेट हमें जनरेट करके दे दी। अब यार जैसे मैं इसे सेव करूंगा, अब अपनी वेब मतलब अपने वेब ब्राउज़र पर चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी मुझे अपनी index.html फाइल दिख रही है। अब यार जैसे मैंने अब home.html फाइल बनाई है, तो अब मुझे ये home.html फाइल का जो भी कोड है वो देखना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, बस यहाँ पर इंडेक्स के बदले मैं home.html लिख दूंगा और मुझे अपनी home.html फाइल शो होगी। ठीक है, यहाँ पर इसका मैं टाइटल चेंज कर दूंगा, मैं लिखूंगा होम पेज, और यहाँ पर मुझे होम पेज छोड़ देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ HTML ट्यूटोरियल, और यहाँ पर मुझे ये देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर अपने टाइटल के अंदर।
अब यार हमने हेड तो देख लिया था, क्या कहते हैं क्या हेड क्या करता है हमारे कुछ क्या कहते हैं हमारी वेबसाइट का कुछ मतलब मैटर डाटा रिप्रेजेंट करता है। अब ये बॉडी टैग क्या करता है, अब भी यार मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, जो मेन काम हमने अपनी वेबसाइट का करना होता है वो हम बॉडी टैग के अंदर करते हैं। यूजर को जो भी हमारी एचटीएमएल शो होने वाली है, मतलब जो भी यूजर को हमारी एचटीएमएल शो होगी वो हमारी बॉडी टैग के अंदर लिखी हुई एचटीएमएल शो होगी। तो यहाँ पर हम अब हमें जो भी अपनी वेबसाइट का कोड लिखना है, जो भी हम चाहते हैं कि यूजर को हमारी वेबसाइट जैसे दिखे वो हमें बॉडी टैग के अंदर बताना होगा। मतलब अब सभी के सभी टैग्स हमें बॉडी टैग के अंदर लिखने होंगे जो भी हम चाहते हैं यूजर को दिखे। जैसे अगर मैं चाहता हूँ मेरे क्या कहते हैं वेबसाइट के अंदर हेडिंग दिखे यूजर को, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक H1 टैग होता है हेडिंग के लिए, अभी आपको इसके ऊपर ध्यान है तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा हेलो दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट और मेरे से वेबसाइट बनवा लो फ्री में, नहीं बना के दूंगा पैसे दे देना। तो मैंने कुछ ऐसे ही बफालतू से टेक्स्ट लिख दिया। अब यार देखना हमारी वेबसाइट में हमें एक हेडिंग शो हो रही है जिसमें लिखा हुआ है हेलो दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट और मेरे से वेबसाइट बनवा लो फ्री में, नहीं बना के दूंगा पैसे दे देना। तो यार आप देख सकते हो जो भी हमने बॉडी टैग के अंदर लिखा है वो यूजर को शो हो रहा है टैग हमारा, मतलब जो भी टैग हमारा मतलब जैसे हेडिंग वाला टैग हमने यूज किया तो यूजर को हेडिंग शो हो रही है। अब यार एचटीएमएल के अंदर हर एक चीज के लिए टैग्स होते हैं, इमेज के लिए टैग होता है, हेडिंग के लिए टैग होता है, पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ टैग होता है, इमेज के लिए इमेज टैग होता है, हर एक चीज के लिए एक ना एक टैग होता है और हम सभी के सभी टैग्स अच्छे से देखेंगे। अब यार हम बात कर लेते हैं हेडिंग्स की, यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ हेडिंग्स। अब यार देखो हर एक वेबसाइट में आपको हेडिंग देनी ही पड़ती है, कुछ ना कुछ तो आपको हेडिंग डिफाइन करनी पड़ती है। तो यार अब एचटीएमएल के अंदर मतलब यार वेबसाइट के अंदर मतलब हेडिंग बताने के लिए आपको एचटीएमएल के अंदर 6 तरह के टैग मिलते हैं हेडिंग के लिए, और ये टैग कैसे होते हैं मतलब इनका क्या नाम है, इनका बस यही नाम है एक, बस ये H1 और 6 मैंने बताए हैं, तो बस यहाँ पर H जैसे मैंने यहाँ पर बांध दिया, जैसे H6 होगा H6 तक ये सबसे भी टैग है। तो यहाँ पर इसे मैं डुप्लीकेट करूंगा और यहाँ पर इसे मैं 6 तक कर लूंगा, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर इसे मैं कर दूंगा दूसरे वाले को H2, तीसरे वाले को कर दूंगा H3 4 5 6, और यहाँ पर इसमें 6 करना होगा, और यहाँ पर मैं सबसे पहले हेडिंग वन में लिखूंगा हेडिंग 1, और यहाँ पर मैं दूसरे वाले में लिख दूंगा हेडिंग 2, और तीसरे वाले में लिख दूंगा हेडिंग 3, कि हमें यहाँ पर पता लगे अपने ब्राउजर के अंदर कि कौन कौन सी हेडिंग शो हो रही है हमें, और हमें इनका डिफरेंस भी पता लग जाएगा क्या कहते हैं इनके अंदर क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर होगा हेडिंग 5, और इसे कॉपी करूंगा और पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर, और मैं लिखूंगा हेडिंग 6, और पता नहीं क्या लिखा गया था। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने इसे सेव किया, अब मैं अपनी वेबसाइट के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पर आ रहा है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। तो यार जो H1 टैग था, जो H1 टैग होता है ना, ये हमारी सबसे मेन हेडिंग रिप्रेजेंट करता है। तो यार आप देख सकते हो इस जो H1 टैग की जो भी मतलब हमने डाटा मतलब जो भी टेक्स्ट लिखा है वो सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा है बाकी H1 टैग्स के नालों, मतलब हेडिंग 1 H2 से बड़ा है, और H2 हमारा H3 से बड़ा है, और H3 वैसे हमारा H4 से बड़ा है, और H4 हमारा H5 से बड़ा है, मतलब इनके फॉन्ट साइज में आप चेंजेस देख सकते हो। अब आपको अगर अपनी वेबसाइट का मैं आपको सिर्फ बात करता हूँ सबसे मेन हेडिंग बतानी है तो आप H1 टैग का यूज करो, उसके बाद अगर आपको H1 मतलब मेन हेडिंग के बाद आपको सब हेडिंग्स बतानी है तो आप H2 का यूज कर सकते हो, फिर H2 के बाद आपको और भी हेडिंग्स बतानी है जो H2 वाले पैराग्राफ के अंदर आपको बतानी है तो तब आप H3 टैग यूज कर सकते हो। यार ये थोड़ी आपकी वेबसाइट ऐसे भी बना देता है। तो यहाँ पर बिना किसी मतलब यार कुछ टेंशन लिए हम सीधा पर दूसरे ही चीजें देखते हैं, और हम देख सकते हैं यार हेडिंग के अंदर क्या क्या डिफरेंस था, और आशा करता हूँ आपको ये सभी चीजें समझ आई होंगी। अब यार हमने ये तो देख लिया कि हम हेडिंग कैसे ऐड कर सकते हैं मतलब अपनी वेबसाइट के अंदर। अब यार क्या हो कि अगर मुझे कोई पैराग्राफ ऐड करना हो अपनी वेबसाइट के अंदर, हाँ तो फिर उसके लिए हमारे पास पैराग्राफ टैग भी होता है। तो वो टैग कैसे स्टार्ट होता है, बस पी टैग हम स्टार्ट करते हैं, पी टैग को हम एंड कर देते हैं, जैसे आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक मिनट पैराग्राफ,
अब यार पैराग्राफ से आपके नाम से पता लग रहा है, अगर आपने कोई पैराग्राफ अपनी वेबसाइट के अंदर रिप्रेजेंट करना है बताना है तो आप पी टैग का यूज करोगे, मतलब पैराग्राफ टैग का यूज करोगे। तो आप लोगों को कुछ पैराग्राफ बता देता हूँ, लोरम 55 के ऊपर मेरे पास कुछ टेक्स्ट आ जाएगा लोरम 55, मतलब आप देख सकते हो। और ये हमारी क्या कहते हैं वेबसाइट के अंदर, ये देखो हमें ये जो भी पैराग्राफ है शो हो रहा है। और यार इसके बारे में मैं होरी क्या बताऊं, मतलब यार पैराग्राफ अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐसे पी टैग ही यूज करोगे, और इसके बारे में कुछ और ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं है कि इसके बारे में कुछ ज्यादा आपको बताना भी है। हेडिंग और पैराग्राफ के बारे में जितना था उतना बता दिया, और इसके आगे और क्या ही बताना, और इसके आगे कुछ है ही नहीं तो यार बताएंगे आप सीधी बात। तो हमने ये तो देख लिया कि हेडिंग कैसे ऐड कर सकते हैं, पैराग्राफ कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज क्या यार, मतलब मैं एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या कहते हैं जो ये मैं चीजें कर रहा हूँ ये कर क्या रहा हूं मैं, आप देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ टेक्स्ट आ रहा होता है, और ये जो टैग मतलब ये जो टेक्स्ट है जो मैं इन टैग्स के अंदर लिख रहा हूँ ये बाकियों नालों इनका इसका कलर ग्रे है, और ये बाकियों नाले मतलब जैसे जो मैंने यहाँ पर हेडिंग्स लिखा है तो यहाँ पर मुझे ये कोड शो ही नहीं हो रहा अपने वेबसाइट के अंदर, और जो भी मैंने इसके नीचे कोड लिख रहा हूँ अपने टैग्स के अंदर वो शो रहा है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो यार ये जो हम चीज कर रहे हैं ये हम कमेंट्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम कमेंट कर रहे हैं, और कमेंट क्या होता है, कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय ब्राउजर वाई रेंडरिंग दी एचटीएमएल। मतलब जब भी ब्राउजर हमारी क्या, तो यार मतलब जब भी ब्राउजर हमारे क्या कहते हैं इस एचटीएमएल फाइल को रेंडर करेगा तो जो भी हमने कमेंट्स किए हुए हैं इसके अंदर वो सभी के सभी इग्नोर करेगा। क्यों यार कमेंट्स हम यूज क्यों करते हैं? जब आप यार अपने टीम के साथ वर्क कर रहे हो, यार अगर आपको कुछ ऐसा कुछ लिखना है अपनी मतलब एचटीएमएल फाइल के अंदर जो सिर्फ मतलब जैसे कोई मैसेज आपने छोड़ना है या किसी चीज को आप ऐसा चाहते हो कि वो आपकी वेबसाइट के अंदर शो ना हो, कोई टैग ऐसा चाहते हो कि आपकी वेबसाइट के अंदर शो ना हो, तो आप उसे कमेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने कमेंट किया, आप ऐसे यहाँ पर ये पैराग्राफ टैग को भी कमेंट कर सकते हो, अगर मैं इसे जैसे कमेंट करूंगा तो आप देखना ये हमारे वेब ब्राउजर के अंदर शो नहीं होगी। मतलब यार जो भी हम कमेंट करते हैं ना चीजें वो हमारे यूजर को शो नहीं होती, वो हमारे वेब ब्राउजर के द्वारा इग्नोर की जाती है। जैसे एक क्या कहते हैं फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को के साथ अगर यार समझ लो उसकी फाइट हो जाती है तो वो दोनों क्या कहते हैं मतलब एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, वैसे यार वेब ब्राउजर भी क्या कहते हैं जो भी चीजें हमने कमेंट की होती हैं वैसे इग्नोर करता है। मतलब मान लो यार किसी ने किसी के ऊपर गलत कमेंट कर दिया तो वो बंदा मतलब जिस भी बंदे ने उसके ऊपर कमेंट किया उसे इग्नोर करता है। तो यार जो भी हमने वैसे ही ये कमेंट होते हैं और ये ब्राउजर हमारे क्या कहते हैं इग्नोर करता है, वेब ब्राउजर के कमेंट्स अच्छे नहीं लगते तो वेब ब्राउजर इसे हमारी क्या कहते हैं यूजर को शो ही नहीं करता जो भी एक हमने कमेंट किया होता है किस भी चीज को। तो आशा करता हूं आपको कमेंट्स के बारे में भी समझ आ गया होगा कमेंट्स क्या होते हैं यार। और हमने अभी तक काफी चीजें देख ली हैं, और हम देख सकते हैं लिंक्स कैसे हम ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। अब यार ये लिंक्स होते क्या है मैं आपको सीधी बात बताता हूं, यहाँ पर लिंक्स मैं लिखूंगा लिंक्स क्या, देखो अब मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट के अंदर मैं कुछ लिंक डालना चाहता हूँ किस कुछ वेबसाइट्स के या कुछ अपनी पर्सनल फेवरेट वेबसाइट्स के, और मतलब कुछ ऐसे यार मतलब जैसे अपने इंस्टाग्राम का लिंक बताना चाहता हूँ कि यूजर जैसे क्लिक करे उस टेक्स्ट के ऊपर तो वो मेरी वेबसाइट पे रिप्रेजेंट हो जाए, तो आपको काफी लिंक बन जाते हैं। और यहाँ पर मैं ऐसे भी चाहता हूँ कि मैं अपने कुछ HTML फाइल शो करना चाहता हूँ यूजर को, तो मैं चाहता हूँ कि यूजर इस लिंक के ऊपर क्लिक करे तो वो वाली HTML फाइल उसे रिप्रेजेंट हो। तो ऐसे हम कैसे कर सकते हैं, तो तब हम यूज करते हैं लिंक्स का, और लिंक कैसे हम क्या कहते हैं बताते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर एंकर टैग का यूज करते हैं। एंकर टैग कैसे बताते हैं, हम सिर्फ ए टैग को ओपन करते हैं और ए टैग को क्लोज करते हैं, और इसका बस ये आप देख ही सकते हो हमें सिर्फ ए लिखना होता है, और इसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट देते हैं जिसका नाम है HRF, और इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ google.com, तो यहाँ पर मैं लिखा है google.com। अब मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट के अंदर आता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर ब्लू मतलब आप देख सकते हो, यहाँ पर इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पर यह थोड़ा पर्पल सा रंग हुआ हुआ है इस टेक्स्ट और इसके नीचे अंडरलाइन भी आई हुई है, और ये अंडरलाइन हुआ हुआ है टेक्स्ट पर, और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी वेबसाइट रिलोड हो रही है, आप देख सकते हो ऊपर ये देखना ये मेरी वेबसाइट रिलोड हो रही है पर कुछ हो नहीं रहा। ये क्या है एंकर टैग क्या करता है, एंकर टैग मतलब एक ये ऐसा लिंक काम करता है, मतलब जैसे हमने किसी वेबसाइट का लिंक बताना अपनी वेबसाइट मतलब अपने वेबसाइट के अंदर, हम चाहते हैं कि जैसे इसके ऊपर क्लिक करे बंदा तो google.com पे रीडायरेक्ट हो, तो तब हम एंकर टैग का यूज करते हैं, और HRF के अंदर हमें उस वेबसाइट का लिंक बताना होता है, तो यहाँ पर होगा https://www.
फूगल नहीं google.com और ये से मैंने सेव किया। अब मैं जैसे इस google.com के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखना मैं google.com पे रिडायरेक्ट हो रहा हूँ। जैसे हम लिंक ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर और ऐसे यहाँ पर जैसे मैंने google.com के लिए डाला है वैसे हम मैं facebook.com के लिए डाल सकता हूँ, instagram.com के लिए डाल सकता हूँ। यहाँ पर मैं डायरेक्ट एक और ऐड करूंगा तो यहाँ पर मैं कहूंगा ये मैं डालूंगा youtube.com के लिए youtube.com तो यहाँ पर मैं कहूंगा youtube.com और मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिखूंगा देखूंगा क्लिक मी टू गो टू youtube.com। मैंने इसे सेव किया। अब मैं यहाँ पर देखो यहाँ पर आ रहा है क्लिक मी टू गो टू youtube.com तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं youtube.com पे रीडायरेक्ट हो रहा हूँ। तो मैं youtube.com पे क्यों रीडायरेक्ट हो रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या कहते हैं HDF में मैंने youtube.com का वेबसाइट का लिंक बताया। ऐसे मैं यहाँ पर कह सकता हूँ मेरे इंस्टाग्राम का लिंक बता सकता हूँ। अब ये देखो मैं पहले यहाँ पर VS Code Editor के एक और फीचर बताता हूँ। यहाँ पर मैं ए लिखता हूँ फिर ये मेरा ए एंकर टेक्स्ट आता है फिर मैं उसके अंदर अपने क्या कहते हैं यहाँ पर जो भी टेक्स्ट है वो लिखता हूँ। पर क्या हो कि अगर मैं जैसे यहाँ पर ए बता रहा हूँ साथ में इसके अंदर का टेक्स्ट भी बता दूं तो मेरा कितना टाइम बचेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो आप जो भी टैग है वो बताओ उसके बाद अपने कर्ली ब्रेसेस देके कुछ टेक्स्ट बता दो। यहाँ पर मैं कहूंगा instagram.com यहाँ पर देखना इसके अंदर instagram.com अपने आप लिखा हुआ आ गया जो भी मैंने लिखना था। और यहाँ पर HDF में मैं क्या कहूंगा इसके मैं कह दूंगा ये instagram.com पे जाएगी अगर मतलब जो भी यूजर इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो वो कहाँ पर जाएगा instagram.com के ऊपर मतलब instagram.com वाली वेबसाइट पे जाएगा। जब मैं क्लिक करता हूँ instagram.com के ऊपर तो मैं जा रहा हूँ instagram.com पे यार आप देख सकते हो। अब एक और चीज देखो यार जब मैं इन क्या कहते हैं एंकर के ऊपर क्लिक करूँ फिर मैं अपनी वेबसाइट को छोड़ के इनकी वेबसाइट पे जा रहा हूँ। अब यार मैं नहीं चाहता कि मेरा यूजर मेरी वेबसाइट छोड़े क्योंकि मैं बिल्कुल अपना नुकसान नहीं कराना चाहूंगा ना ही आप अपना नुकसान कराना चाहोगे। अब मैं चाहता हूँ कि यूजर जब लिंक के ऊपर क्लिक करे तो लिंक एक नए टैब में ओपन हो क्या हो लिंक नए टैब में ओपन हो हमारी वेबसाइट को यूजर को छोड़ना मत यूजर को मत छोड़ना पड़े। जैसे यार किसी भी मतलब यार मतलब समझ सकते हो जो मैंने क्या है आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पर अब ऐसा करने के लिए क्या करना होगा हमें यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट देना होगा जिसका नाम है टारगेट और इसकी मुझे वैल्यू देनी होगी अंडरस्कोर ब्लैंक। अगर मैं ऐसा करूं और यहाँ पर अब मैं google.com के ऊपर क्लिक करूं तो यार ना तो मैं अपनी वेबसाइट छोड़ के जा रहा हूँ और मैं google.com पे भी रीडायरेक्ट हो रहा हूँ पर google.com एक नए टैब के ऊपर ओपन हो रही है। तो यार ऐसे आप देख मतलब ऐसे आप ऐड कर सकते हो ये फंक्शनलिटी की कोई भी यूजर दूसरी मतलब लिंक के ऊपर क्लिक करे तो वो दूसरी वेबसाइट पे जाए पर हमारी वेबसाइट को बिना छोड़े। अब यार मैं ऐसा करता हूँ ये सभी सभी टैग को कमेंट कर देता हूँ और मुझे ये टैग नहीं छोड़ रहे। तो यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे मेरे पास home.html है मतलब अब मैं यहाँ पर एक अबाउट और HTML फाइल बनाऊंगा क्या बनाऊंगा अबाउट और HTML फाइल। तो यहाँ पर इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ एक हेडिंग डाल देता हूँ तो यहाँ बनूंगा अबाउट पेज ऑफ माई वेबसाइट और यहाँ पर मैं एक और HTML फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ contact.html और यहाँ पर मैं इसे करता हूँ और यहाँ पर मैं कहूंगा बॉडी के अंदर एक H1 टैग दूंगा तो यहाँ पर H1 तो यहाँ कहूंगा कॉन्टैक्ट पेज ऑफ माई वेबसाइट। तो यहाँ पर मैं अब अपनी वेबसाइट पे आता हूँ रिफ्रेश करता हूँ मुझे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं पर यहाँ पर अगर मैं होम के बदले लिखता हूँ about.html तो मैं अबाउट वाली HTML वाले पेज पे आ रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ contact.html तो मैं कॉन्टैक्ट वाले पेज पे आ रहा हूँ। अब मैं आ जाता हूँ home.html पे यार देखो अब मुझे contact.html पे जाने के लिए यहाँ पर contact.html लिखना पड़ रहा है अबाउट पे जाने के लिए मुझे यहाँ पर about.html लिखना पड़ रहा है। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे यूजर को ऐसे कुछ लिखना पड़े क्योंकि यूजर को यार पता ही नहीं है कि अगर कोई ऐसे पेज पे जाना है तो मुझे यहाँ पर URL में चेंज करना पड़ेगा। यूजर को हमारे टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है हमें सिर्फ ज्ञान है तो हमें यूजर को क्या कहते हैं आसान रास्ता दिखाना होगा उसे उसका मार्ग दिखाना होगा उस पेज के लिए। तो यार उसके लिए मुझे क्या करना होगा यहाँ पर उसके लिए भी मैं क्या चाहता हूँ तो उसके लिए भी मैं एंकर टैग का यूज कर सकता हूँ। मतलब अब मैं चाहता हूँ क्या कहते हैं यूजर को मैं अलग अलग पेज पे भेजना चाहता हूँ मतलब यूजर अगर चाहे तो मेरे होम पेज पे जा सकता है यूजर चाहे तो मेरे अबाउट और एचटीएमएल पेज पे जा सकता है यूजर चाहे तो मेरे कॉन्टैक्ट और पेज पे जा सकते हैं। यहाँ पर वो मैं सभी के सभी क्या कहते हैं एंकर टैग्स मतलब वो सभी सभी लिंक यहाँ पर शो करूंगा। मतलब मैं चाहता हूँ अब यूजर जैसे नैव बार के अंदर आप देखते होंगे जैसे ये विजुअल स्टूडियो कोड है अगर मैं इसके डॉक्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं इसके डॉक्स वाले पेज पे जा रहा हूँ। तो वैसे ही अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा यूजर है अगर वो अबाउट के ऊपर क्लिक करे तो वो अबाउट और एचटीएमएल वाले पेज पे
रीडायरेक्ट हो, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मैं तब भी एंकर टैग का यूज कर सकता हूँ, तो अब मैं कहूंगा एंकर टैग डालूंगा, बट पर एचटीएमएल में अब मैं अपनी जो भी एचटीएमएल फाइल है उसका पाथ बताऊंगा, तो मैं कहूंगा /about.html, तो यहाँ पर मैं कहूंगा about us, ठीक है, और यहाँ पर मैं कोर एंकर टैग डालूंगा जिसमें मैं कहूंगा /contact.html, तो यहाँ पर मैं कहूंगा contact us। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने HTML फाइल के HTML में पाथ बताए हैं, ठीक है, अब यहाँ पर मैंने जो एंकर टैग शो कर रहा हूँ यहाँ पर, इसका एक का नाम रखा अबाउट अस और एक का नाम रखा कॉन्टेक्ट अस। अब जब यूजर अबाउट अस के ऊपर क्लिक करेगा ना, आप देखना वो about.html पेज पे जा रहा है, अब जब यूजर कॉन्टेक्ट अस के ऊपर क्लिक करेगा तो वो कॉन्टेक्ट अस के पेज के ऊपर जा रहा है। फिर ऐसे हम यूजर को रीडायरेक्ट कर सकते हैं पेजेस के ऊपर, मतलब अपने पेज, मतलब यार जो भी HTML फाइल के अंदर, जैसे मैं एक यूजर को एक HTML फाइल से दूसरे HTML फाइल में ऐसे भेज भी सकता हूँ एंकर टैग की मदद से। और ये फीचर आप हर एक वेबसाइट में इंप्लीमेंट करोगे, क्यों, क्योंकि आपको नेवबार में डालना ही पड़ता है और हर एक वेबसाइट में एक नेवबार होता ही है। तो काफी कुछ देखे हमने लिंक्स के बारे में HTML के अंदर। अब आप देख ले यार इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं हम, क्या कहते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो और सर, अब मेरे पास एक इमेज है पाइथन लोगो, ये आप देख सकते हो पाइथन के लोगो की एक इमेज है। अब मैं इस पाइथन के लोगो को, मतलब इस इमेज को अपनी वेबसाइट के अंदर शो करना चाहता हूँ। अब यार इमेज अपनी वेबसाइट के अंदर शो करने के लिए हमारे पास HTML के अंदर इमेज टैग होता है, तो हम क्या करेंगे, इमेज टैग हम बस यहाँ पर लिखेंगे img, और जैसे हम इसके ऊपर एंटर दबाएंगे तो VS Code हमारे लिए अपने आप ही ये हमारे लिए इमेज टैग जनरेट कर देगा। अब यार देखो, जो ये इमेज टैग है VS Code एडिटर ने इसका कोई क्लोजिंग टैग रखा ही नहीं, क्या ये VS Code एडिटर ने कोई गलती की है, क्या ये VS Code एडिटर में कोई बग है, और ये पता नहीं कि मैं न्यूज वालों जैसे बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं एक बात कितनी घुमा के, पर तब भी आपको मैं एक सीधी बात बताता हूँ, ये VS Code एडिटर ने कोई गलती नहीं की है, इमेज टैग ऐसे ही होते हैं। तो ये टैग को क्या कहते हैं, अब आपको कि ये जो भी अभी तक हमने टैग देखे वो सभी हम क्लोज भी कर रहे थे, ये टैग तो हम क्लोज नहीं कर रहे, यदि ये टैग हम इसलिए क्लोज नहीं कर रहे क्योंकि ये टैग क्लोज ही नहीं होता, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है HTML के अंदर। क्या है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है HTML के अंदर, और जो ये टैग्स होते हैं ना, मतलब सेल्फ क्लोजिंग टैग को हम क्लोज नहीं करते हैं। सेल्फ क्लोजिंग टैग में हमारे पास इमेज आ जाता है और भी टैग्स आगे आते हैं, हम आगे भी देखेंगे, तो हम देख सकते हैं। फिर अब इमेज टैग हम तब यूज करते हैं, हमें कोई इमेज रिप्रेजेंट करनी होती है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो इमेज टैग के अंदर हमें हमारे पास दो एट्रीब्यूट भी, आप देख सकते हो src और alt, मत दो तो यार चलेगा पर src आपको देना ही पड़ेगा। और alt किसके लिए काम होता है, क्या चीज के लिए काम होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब src के अंदर आपको अपनी नई इमेज का पाथ बताना होता है, तो यहाँ पर मेरा इमेज का क्या पाथ है, /, जो मेरी पाइथन लोगो ये तो रिटर्न, ये जो भी मतलब इमेज का नाम है वो है, मतलब उसका पाथ बताना होगा और इमेज का नाम भी आपको स्पेसिफाई करना होता है। पर अब मैं अपने मतलब अपने ब्राउज़र के अंदर आता हूं, तो अब देखो मुझे इमेज शो हो रही है, इमेज टैग की वजह से हम ऐसे इमेज शो कर सकते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर। अब ये देखो हो कुछ ऐसा जाता है कि मेरी ये इमेज कुछ गलत यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने रिटर्न नहीं लिखा, इसका नाम मैंने गलती किया, यहाँ पर मेरी इमेज शो नहीं हो रही यूजर को। अब यार यूजर को पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक इमेज है, शो तो नहीं हो रही, अब तो यूजर को नहीं पता लगेगा कि यार यहाँ पर कोई इमेज थी, तो यहाँ पर उसके लिए हम यूज कर सकते हैं alt का, alt एट्रीब्यूट का, और ये SEO में भी काफी काफी काम आता है, जब यार जैसे सर्च इंजन्स के बोर्ड्स जब आपकी वेबसाइट पे आते हैं तो इमेज के बारे में डाटा ये alt टेक्स्ट ही बताता है उनको, और यार अगर आपको नहीं पता कि ये बोर्ड्स क्या होते हैं, मतलब क्राउलर्स क्या होते हैं, तो यार इसके ऊपर आप ध्यान भी ना दो, और कुछ नहीं होता यार अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, पर तब भी यार ये SEO के लिए काफी जरूरी होता है alt। और यार जितनी ज्यादा नॉलेज हो सके मैं आपको उतनी देने की कोशिश करता हूँ, मैं कोई नॉलेज जितनी मुझे पता होती है मैं आपके साथ सभी शेयर करता हूँ, अपने खुद के एक्सपीरियंस से टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने यूज की होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और मतलब यार मैं आपको जो भी चीजें होती है वो साथ में बताता हूँ, जैसे SEO कैसे कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हो मैंने अभी तक आपको काफी चीजें बताई हैं SEO के बारे में, जैसे हेडिंग्स में भी आप SEO कैसे कर सकते हो, कि इन्हें कैसे रख सकते हो कि आपकी वेबसाइट SEO फ्रेंडली हो, और जो alt भी होती है ये भी आपकी वेबसाइट को थोड़ा SEO फ्रेंडली करने के लिए यूज होता है। और मतलब यार इसी बात पे यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है यार, क्योंकि मैं आपसे कोई भी बात छुपाता नहीं हूँ, जो भी चीज सिखाता हूँ उसके बारे में सब कुछ अच्छे से बताता हूँ, तो गाइस यार इसी बात पे यार सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है, और कमेंट करके जरूर बताना यार, क्योंकि कमेंट ही आपके बताते हैं कि कौन सा ट्यूटोरियल आपके चाहिए और कितने अच्छे से उसे बनाना है मुझे, तो गाइस यार कमेंट करना मत भूलना। और यहाँ पर alt में मैं क्या करूंगा, अब जैसे alt में हम क्या करते हैं, अब alt हमारा थोड़ा SEO फ्रेंड, मतलब हमारी वेबसाइट को SEO भी बनाने के लिए यूज होता है, क्यों, क्योंकि क्राउलर्स को यही alt ही बताता है, क्या
कहते हैं हमारी इमेज का थोड़ा डाटा। तो ओल्ट में हम इमेज इमेज किस बारे में है वो हम बताते हैं। जैसे मेरी इमेज पाइथन के बारे में है तो यहाँ पर मैं कहूंगा पाइथन, फिर मैंने ओल्ट में लिखा पाइथन। और अब देखना, अब यूजर को यहाँ पर जो जैसे कोई भी अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो अगर उनकी कोई भी इमेज नहीं लोड होती तो आप देखते हो कि ऐसे कोई आइकन दिखता है इमेज जैसा, वहां पर उन्होंने कुछ कुछ टेक्स्ट दिखता है जिससे पता लगता है कि ये इमेज और ये लोड नहीं हुई है। फिर ओल्ट की मदद से वो शो होता है और यहाँ पर ये पाइथन हमें बता मतलब ये ओल्ट ही हमें ओल्ट वाला टेक्स्ट ही शो है अगर हमें हमारी इमेज लोड नहीं होती। ओल्ट टेक्स में हमें कुछ अपनी वेबसाइट का डाटा मतलब जो भी हमारी वेबसाइट नहीं सॉरी जो भी हमारी इमेज के रिलेटेड मतलब हमारी इमेज किस रिलेटेड है उसके बारे में बताना होता है। तो आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा। और यहाँ पर मैं इसका नाम डब्ल्यू मतलब सही से कर देता हूँ जिससे क्या होगा मुझे मेरी इमेज शो होगी। यार ये था। और यार आप अगर अपनी इमेज की क्या कहते हैं विथ और हाइट भी सेट कर सकते हैं एचटीएमएल की मदद से, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एट्रीब्यूट मिल जाता है विथ नाम का, और उसमें आपको अपनी जो भी इमेज की विथ बतानी है तो यहाँ पर मैं इसकी विथ कर दूंगा 500। तो मुझे शायद कुछ चेंजेस ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पर मैं 500 के बदले अगर इसकी विथ 50 कर दूं तो आप देख रहे हैं इसकी विथ छोटी होगी, हमारी इमेज कितनी छोटी होगी। तो आपको दिखाता हूँ कि हमारी इमेज कितनी छोटी हो गई है। और यहाँ पर मैंने अब ब्राउज़र को मैं मैक्सिमाइज नहीं करता तो आपको पता लगेगा कि ये मेरी इमेज कितनी छोटी हो गई है। अगर मैं अपनी इमेज को बड़ा करना चाहता हूँ तो इसकी मैं विथ डबल कर दूंगा, यहाँ पर 1000 कर दूंगा, और यहाँ पर देखना ये इमेज कितनी बड़ी हो जाएगी। और यार गलतियां वैसे ये विथ एचटीएमएल की मदद से चेंज करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसके लिए आपके पास सीएसएस यूज करना। सीएसएस की मदद से क्या होता है क्या कहते हैं यार मतलब यार इन टाइम के लिए सीएसएस ही यूज करना, क्योंकि यार सीएसएस ही बनी है कि आपकी वेबसाइट पर ये जो भी विथ हाइट ये सब की चीजें संभालने के लिए, क्योंकि यार सीएसएस की मदद से आप अपनी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव भी बनाते हो, मतलब फोन में कैसी शो होगी वो भी आप सीएसएस की मदद से करते हो। एक पीसी छोटे पीसी मतलब कोई छोटी सी विथ वाले पीसी में कैसी शो होगी आपकी मतलब छोटी सी स्क्रीन वाली पीसी पे आपकी जो भी वेबसाइट कैसी शो होगी, ये सब सभी चीजें आप सीएसएस के अंदर करते हो। तो यार ये जो विथ और हाइट अपनी इमेज का वो आप सीएसएस की मदद से ही करना, वो ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस है। जैसे आप विथ सेट कर सकते हो वैसे आप हाइट भी सेट कर सकते हो। जैसे मैं इसकी विथ कर देता हूँ 100, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर इसकी विथ काफी छोटी मिलेगी। पर जैसे मैं इसकी हाइट इंक्रीज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ इसकी हाइट कितनी हो जाए, तो मैं कह दूंगा हाइट कर दूं इसकी 200। तो मुझे ये इसकी विथ 100 आएगी, हाइट 200 है, इससे क्या हो रहा है ये इमेज खींच पर जैसे लग रहा है किसने इस इमेज को खींच दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसकी विथ छोटी मतलब इसकी विथ हाइट से छोटी है। पर अगर मैं इसकी विथ सेम कर दूं हाइट जितनी तो ये इमेज मुझे सही से दिखेगी, मतलब सही है कुछ ना इसे तो जैसे लग रहा है किसने ना खींचा हुआ ऐसा नहीं, मतलब बिल्कुल इमेज सही दिख रही है। तो आशा करता हूं आपको इमेजेस के बारे में भी काफी कुछ देखने को मिला होगा। अब यार गाइस बात कर लेते हैं टेबल्स के बारे में। अब यार ये टेबल्स होते क्या हैं? फिर अब कुछ कभी ऐसा काम पड़ गया कि आपको अपनी वेबसाइट के अंदर टेबल शो करना है, क्या मतलब कोई टेबल में डाटा रिप्रेजेंट शो करना है, तो तब आप क्या कर सकते हो? फिर टेबल शो करने के लिए भी आपके पास एक टेबल एलिमेंट होता है, टेबल टैग होता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, बस आप यहाँ पर लिखो सिंपली टेबल और इसे क्लोज भी करना पड़ता है। बस जैसे आप टेबल लिखोगे तो वीएस कोड एडिटर आपके लिए खुद इसे इसका ओपन टैग ओपन कर देगा और इसे क्लोज भी कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टेबल वाला टैग ओपन भी हो गया, क्लोज भी हो गया। और इसके अंदर आपको दो चीजें और बतानी है। एक होगा टी हेड, इसका मतलब होता है ये टेबल का हेड, और इसका क्या मतलब है वो मैं आगे बताता हूँ। उसके बाद टी बॉडी, जिसका मतलब है ये टेबल की बॉडी। जैसे मैं इसे सेव करूंगा कुछ नहीं हमें शो होगा हमारी वेबसाइट के अंदर। पर यार मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जो भी टेबल के अंदर काम होता है वो हर एक चीज का मतलब जो हर एक डाटा एक रो में होती है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा टेबल हेड के अंदर एक और मुझे टैग बताऊंगा टी आर जो होता है टेबल रो, और उसके टेबल हेड। तो यहाँ पर मैं कहूंगा एस डॉट नंबर, और मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता आपको अभी समझ नहीं आता होगा, बस यार देखो मुझे ये लिखने दो, मैं जो भी कर रहा हूँ मुझे ये लिखने दो। तो यहाँ पर कहूंगा नेम, यहाँ पर मैं कह दूंगा फोन नंबर। अब मैं इसे सेव करता हूं अपने अपने वेब ब्राउज़र के अंदर चाहता हूं। तो यहाँ पर आप देखो डार्क में मुझे एक एसएस नंबर दिख रहा है, यहाँ पर नेम दिख रहा है, फोन नंबर जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है अपने इसके अंदर वो मुझे शो हो रहा है। तो आप देख सकते हो क्या कहते हैं मुझे अपने ब्राउजर के अंदर ये डार्क में जो भी मैंने यहाँ पर डाटा लिखा है ये टेबल हेड के अंदर वो शो हो रहा है। अब यार ये टेबल हेड है क्या? जब भी आप टेबल क्रिएट करते हो तो आपको पता है टेबल का हेड होता है जो हमें बताता होता है कि जो नीचे वाला डाटा है वो किस मतलब क्या डाटा है, उसका क्या मतलब है। मतलब जैसे यहाँ पर मैं सीनियर नंबर बनाया, मैं टेबल बॉडी के अंदर क्या करूंगा एक और टेबल रो बनाऊंगा, उसके अंदर मुझे टी डी देना होगा। यहाँ पर मैं कहूंगा वन, और यहाँ पर मैं कहूंगा नेम हो गया हमारा राहुल, और इसका फोन नंबर हो गया
102930 और मैं एक और टेबल और बताऊंगा यहाँ पर राहुल, और इसका मैं कहूंगा इसका सीनियर नंबर मतलब एस नंबर इसका 2 है, इसका नेम होगा सिमरन क्योंकि राहुल की सिमरन है ये सबको पता है, और उसका नंबर मैं चेंज कर दूंगा इसका 10231 कर दूंगा। और अब अपने वेब ब्राउज़र पे आके मतलब रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं। अब आप देखो एस नंबर के अंदर नीचे हमें कुछ डाटा शो हो रहा है जिसका थोड़ा फॉन्ट साइज ज्यादा मतलब फॉन्ट वेट थोड़ा कम है, मतलब वो ज्यादा डार्क नहीं है, वो बोल्ड नहीं है, और ऊपर हमें कुछ टेक्स्ट शो हो रहा है जिसका क्या कहते हैं थोड़ा जो बोल्ड है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये टेबल में अंदर सबसे पहले हमें टेबल हेड बताना होता है, क्योंकि ये टेबल कुछ डाटा रिप्रेजेंट करता होता है, वो डाटा क्या है वो हमें टेबल हेड पे बताना होता है। जैसे हम कह रहे हैं कि जो फर्स्ट वाला डाटा शो है ये एस नंबर है, मतलब इनका कुछ इनका सीरियल नंबर है, मतलब इनका क्या नंबर है, जैसे इनका क्या नंबर है वो राहुल का क्या है 1 है और सिमरन का क्या है 2 है। अब नेम में जो ये राहुल है ये सिमरन क्या है, तो हम टेबल में बताते हैं कि जो भी ये टाटा शो है ये नेम है, मतलब तो यहाँ पर मैं लिखा नेम, तो मतलब जैसे ये नेम है। अब ये नंबर क्या है, इनका रोल नंबर है क्या है, तो यहाँ पर मैं ऊपर कह रहा हूँ फोन नंबर है इनका क्या है, ये फोन नंबर है। तो ऐसे हमें ये टेबल हेड में बताना होता है। हम इसे कैसे लिखते हैं, हम सबसे पहले टेबल टैग को ओपन करते हैं, उसके अंदर 2 टैग देते हैं, टेबल हेड टेबल बॉडी, और टेबल हेड के अंदर हम एक रो बताते हैं, मतलब जो हर एक क्या कहते हैं जो भी हर एक डाटा टेबल के अंदर शो होता है हर एक रो में होता है। तो हम यहाँ पर एक टीआर लिखते हैं, टीआर का मतलब होता है टेबल की रो, और उसके अंदर हम टीएच देते हैं, टीएच हम हेडिंग के लिए देते हैं जैसे आप देख सकते हो। उसके बाद टेबल बॉडी के अंदर हम जितनी रो चाहे उतनी टेबल रो बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काफी सारा डाटा हो सकता है। तो जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट डाटा था हमारा, उसकी मैंने टेबल रो क्या थी, मतलब वो भी एक टेबल रो है, तो मैंने फर्स्ट डाटा को सारा का सारा एक टेबल रो के अंदर डाला, उसके अंदर टीडी के अंदर हमने वो डाटा रिप्रेजेंट किया। अब टीडी के अंदर यार ये मतलब क्या है, मतलब ये टीडी क्या है, टीडी मतलब देखो यहाँ पर जो हमने फर्स्ट वाला टीडी दिया ना, इसका मतलब है ये सीरियल नंबर का डाटा। अब जो ये फर्स्ट वाला टीडी है ये एस नंबर के नीचे जो भी हमने फर्स्ट वाला टेबल हेडिंग दिया है उसके नीचे शो होगा। जो सेकंड वाला टीडी है हमारा टेबल बॉडी के अंदर, वो सेकंड वाले टेबल हेड के नीचे डाटा शो होगा। जो थर्ड वाला है वो थर्ड वाले के नीचे शो होगा। अगर मैं जो फर्स्ट वाला जो टीडी है वो मैं अगर नीचे कर दूं यहाँ पर राहुल के, तो देखना मुझे सीरियल नंबर के बदले राहुल मतलब वहां पर राहुल दिखेगा, कोई नंबर नहीं दिखेगा आप देख सकते हो, और जो गलत है यहाँ पर हमें ऐसे भी ध्यान देना होता है कि हमारे ये टीडी वगैरह मतलब सब कुछ सही से आ रहा है। अब जितने डाटा होंगे उतने में टेबल रो बनाऊंगा, तो यहाँ पर मेरे पास एक और डाटा आ गया, एक और मतलब बंदा आ गया जिसका सीरियल नंबर क्या है 3 है, और उसका नाम है क्या है गजनी, क्या है गजनी, और जो अपनी आधार स्कूल के और इस टेबल में गुम होके आ गया, तो मतलब यार बस बोखले बोखले खा के यहाँ पर आ गया, तो इसका भी नाम मुझे रजिस्टर करना पड़ रहा है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक और डाटा मैंने डाल दिया गजनी, तो आप यार जितना डाटा चाहो उतना डाटा डाल सकते हो। फिर ये था टेबल्स क्या होते हैं और टेबल कैसे हम शो कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो अब यार हमने ये तो देख लिया टेबल, अब यार बारी आती है लिस्ट की। अब ये देखो कुछ ऐसा काम भी हो सकता है आपको अपनी वेबसाइट के अंदर, या आपको अपनी वेबसाइट के अंदर लिस्ट शो करनी पड़ी है, मतलब यार मतलब कुछ आपको कुछ डाटा रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है जो लिस्ट में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ कि ये टेबल है, जैसे मैंने इमेज के लिए बताया तो यहाँ पर मैं कहूंगा ये है टेबल, यहाँ पर मैं एक और कमेंट कर देता हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लिस्ट के बारे में, तो लिस्ट क्या, देखो 2 टाइप की लिस्ट होती है हमारे पास एचटीएमएल के अंदर, टू टाइप्स ऑफ लिस्ट। अब ये देखो लिस्ट मतलब कुछ आपको यार अपने डेली लाइफ में पता ही होगा लिस्ट क्या होती है, कुछ डाटा को ऊपर आपने रेफरेंस सेंड करना है, मतलब जैसे आप कुछ खाने के लिए जाते होते हो तो तब आप कुछ मतलब जैसे आप कुछ खरीदने जा रहे हो तो तब आप लिस्ट जनरेट कर लेते हो, कोई लिस्ट बनाते हो। अगर आप कुछ खरीदने नहीं जा रहे हो और वेटर आप अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो तो आप अपना ऑर्डर देते हो जो भी क्या कहते हैं आपके खाने का, तो वेटर उसके भी लिस्ट बनाता होता है। यार ऐसी अगर आपको कभी कोई लिस्ट शो करनी पड़ रही है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो आप ये लिस्ट टैग का यूज करोगे जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब लिस्ट के अंदर हमें हमारे पास 2 तरह के टैग होते हैं, मतलब 2 तरह की लिस्ट होती है। फर्स्ट होती है ऑर्डर लिस्ट, क्या होती है ऑर्डर लिस्ट, और दूसरी होती है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, मतलब ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, अब ये जो ऑर्डर लिस्ट होती है उसका टैग कैसे स्टार्ट होता है, ओएल से, और ओएल से स्टार्ट होता है और ओएल से मतलब बंद होता है, और अगर आप सिंपली ओएल लिखोगे तो यार वीएस को डायरेक्टर आपके लिए अपने आप जनरेट कर देगा।
अब यार ऑर्डर लिस्ट हम तब यूज करते हैं जब हम जो भी हमारी लिस्ट के अंदर डाटा है वो एक ऑर्डर में है। मतलब अब जैसे एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, अब जब भी क्लास में कुछ बच्चों का नेम लिखा जाता है, कोई भी नेम लिखा जाता है, तो उनका एक लिस्ट में लिखा जाता है और उनका ऑर्डर होता है। मतलब अगर स्टूडेंट का जो भी है, मतलब समझ लो स्कूल के अंदर स्टूडेंट के सीटिंग प्लान आया, मतलब उन्होंने कैसे बैठना हमारी क्लास के अंदर, तो वो जो भी लिस्ट आई है वो क्या कहते हैं, जैसे एक लिस्ट आई है कि राहुल बैठेगा राहुल के पीछे, सिमरन बैठेगी क्योंकि कोई सोनाली वगैरह नहीं बैठ सकती क्योंकि राहुल की सिमरन है, ये हमें सभी को पता है बचपन से, तो यहाँ पर राहुल के बाद सिमरन बैठेगी, सिमरन के बाद सोनाली बैठेगी, उसके बाद सिमर बैठेगा, तो मतलब ऐसे लिस्ट आती है। तो यार ये लिस्ट ऑर्डर में है, मतलब अब यार राहुल के बाद जो भी लिस्ट के अंदर नाम आया हुआ है हमारे पास, मतलब राहुल के पास सिमरन, तो राहुल के पास सिमरन ही आएगी, होल कोई बंदा नहीं बैठ सकता वरना स्कूल वाले उठा के बाहर फेंक देंगे, ये आपको भी पता है। तो यार इसलिए हम क्या कहते हैं ऑर्डर लिस्ट यूज करते हैं जब हर एक चीज का ऑर्डर है। तो यहाँ पर लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, लिस्ट का हर एक डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एल आई टैग होता है, और जो भी मतलब ऑर्डर लिस्ट का मतलब ये लिस्ट एक ऑर्डर में है, मतलब इस लिस्ट का एक ऑर्डर है, और एल आई के अंदर हमें सभी इस लिस्ट का जो भी डाटा वो रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पर मैं कह दूंगा राहुल, उसके बाद मैं कह दूंगा राहुल के बाद सिमरन, उसके बाद मैं कह दूंगा राहुल के बाद सोनाली, उसके बाद मैं कह दूंगा सिमर, उसके बाद मैं कह दूंगा तरन जो। अब मैं इसे सेव करता हूँ, अपनी वेबसाइट पे चलता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस लिस्ट का मतलब जो भी हमने ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो भी हमने लिस्ट दिया है, जो भी डाटा दिया है, वो सभी के पास पहले से ही एक वन आ गया, टू आ गया, थ्री आ गया, फोर आ गया, फाइव आ गया, मतलब ये यहाँ से हमें पता लग रहा है इस लिस्ट का ऑर्डर है। मतलब आप यार देखो, टू पहले नहीं आ सकता, वन नहीं आएगा, वन के बाद ही टू आता है, तो वैसे ही हमें यहाँ पर शो है कि राहुल के बाद सिमरन ही आएगी, सिमरन के बाद सोनाली, मतलब इस लिस्ट का एक ऑर्डर है। तो तभी यहाँ पर इसका जो भी क्या कहते हैं अपने आप ही हमारी क्या कहते हैं HTML ने जब हमने ऑर्डर लिस्ट दिया तो डिफॉल्ट में क्या गया 1 2 3 यहाँ पर लग गया, जिसका मतलब है ये इनका एक ऑर्डर है, ठीक है। हाँ, तो अब अनऑर्डर लिस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब जब स्कूल का पहला दिन आ गया, आप समझ लो स्कूल का फर्स्ट डे है, स्कूल के फर्स्ट दिन जो जिसका दोस्त बन जाता है वो साथ में बैठते हैं, कोई ऑर्डर नहीं होता बैठने का, टीचर आती है दो दो थप्पड़ मार के सही से बढ़ाती है, फिर एक ऑर्डर बनता है, ये सभी को पता है। पर जिस तक टीचर नहीं आती तब तक बच्चे एक अन ऑर्डर में बैठते हैं, एक डेस्क पे 6 बच्चे बैठे हुए हैं, एक डेस्क में एक बच्चा बैठा हुआ है, और एक डेस्क तो या खाली छोड़े हुए हैं, दो तीन डेस्क, मतलब ऐसी चीजें होती हैं यार स्कूल में, मेरे स्कूल में तो ये काफी चीजें हुई हैं ऐसी, और काफी मजा भी आता था यार, क्या दिन थे वो चलो छोड़ो, पर तब भी यार वैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तो मतलब एक कोई भी ऑर्डर नहीं है, कोई भी ऑर्डर नहीं है बैठने का, एक डेस्क पे 6 बच्चे बैठ रहे हैं, एक डेस्क में एक बच्चा बैठा है, एक डेस्क पे कोई बैठ नहीं रहा है, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है। अब जब मैंने ऑर्डर लिस्ट में दिया था, मतलब जब स्टूडेंट का जो भी सीटिंग प्लान आया था तब तो ऑर्डर था, अब क्या है ना कोई सीटिंग प्लान है ना टीचर है, मतलब अब बच्चे अपनी मनमानी कर रहे हैं और वो अनऑर्डर मतलब अपने मर्जी से बैठे हैं, तो तब हम यूज करते हैं अनऑर्डर लिस्ट। तो मतलब ऐसे ही जब आपका आपकी लिस्ट का डाटा का कोई भी ऑर्डर नहीं होता तो तब आप यूज करते हो अनऑर्डर लिस्ट, जब भी आपकी लिस्ट के जो भी आपकी लिस्ट है उसका कोई ऑर्डर होता है तब आप यूज करते हो ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट के लिए आपको सिर्फ यूएल टैग देना है, जैसे आप लिखोगे यूएल तो आपको इसे ही क्या कहते हैं अपने जैसे यूएल लिखोगे तो उसके लिए VS Code Editor आपके लिए खुद से इसका ओपन टैग जनरेट करके क्लोज भी कर देगा, उसके अंदर भी आपको जो भी लिस्ट देनी है लिस्ट का डाटा देना है वो आपको एल आई के अंदर देना है। तो यहाँ पर मैं कहूंगा राहुल बैठा है, राहुल के बाद सोनाली बैठ गई है, सोनाली के बाद सिमरन बैठ गई है, और सिमरन और सोनाली में युद्ध चल रहा है, उसके बाद तरन जो बैठ रहा है जो अपनी टांग फंसा रहा है, क्या कहते हैं क्या पता उसकी बात बन जाए आज सिमरन के साथ, पर सिमरन बात नहीं बनाना चाहती है और ये मेरी कमेंट्री काफी घटिया और ये मुझे पता है, चलो छोड़ो कुछ नहीं होता, पर तरनजोत के बाद सिमर बैठ रहा है, ठीक है। हाँ, अब देखो जो ऑर्डर लिस्ट पे हमने जो भी डाटा दिया था लिस्ट का उनके आके 1 2 3 4 5 आ रहा था, पर जो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर दे रहे हैं बस उसके अंदर ये डॉट आ गई है, तो अब ये डॉट पहले आ सकती है बाद में आ सकती है क्योंकि किसी को पता नहीं लगने वाला कि कौन सी डॉट कब आती है, तो मतलब इसका कोई भी ऑर्डर नहीं है। यही था क्या कहते हैं डिफरेंस लिस्ट में और मतलब अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में, और ज्यादा अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट यूज कर सकते हो अपने केस के हिसाब से, देख लेना क्या आपका केस है जब आप वेबसाइट में आ रहे हो, ठीक है। हाँ,
तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे अब मैं यहाँ पर 1, 2, 3 नहीं चाहता अपनी ऑर्डर लिस्ट के अंदर, अब मैं यहाँ पर रोमन चाहता हूँ, मतलब रोमन नंबर चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक टाइप एट्रीब्यूट है जिसके अंदर मैं चेंज कर सकता हूँ। यार वीएस को राइटर हम जैसे एट्रीब्यूट डाल रहे हैं तो ये हमें सजेशन दे रहा है कि इसके अंदर क्या क्या आ सकता है। वन वाला 1, 2, 3, 4, 5 ये तो डिफॉल्ट होता है, आप देख सकते हो। पर यहाँ पर मैं अगर ए दे दूँ बड़ा ए, तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ये अल्फाबेट, मतलब जो भी अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी यहाँ पर आ रहा है। बी के बाद ए नहीं आ सकते, ए के बाद बी नहीं आ सकता, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट और तभी यहाँ पर ए बी सी डी आ रहा है। अगर आपको ऐसे ए बी सी डी चाहिए तो ये यहाँ पर ऐसे आएगा। आप जितनी बड़ी आप लिस्ट करते रहोगे उतने सारे आपके अल्फाबेट्स जो भी हैं आते रहेंगे, जैसे ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। और यहाँ पर मेरी तो ये रिवीजन ही हो रही है, इसे मैं एक दो बार ज्यादा लिख लेता हूँ। यहाँ पर मुझे डब्ल्यू एक्स वाई और यहाँ पर सेट भी आ ही जाएगा, अगर इसे एक बार ओकर टू तो यहाँ पर सेट भी आ गया। तो आप देख सकते हो अगर आपको ऐसे एबीसीडी चाहिए तो आप यहाँ पर टाइप में सिर्फ कैपिटल ए कर देना और आपको एबीसीडी मिल जाएगी, उससे मैं ऐसे कम कर देता हूँ। पर अगर आपको स्मॉल स्मॉल अल्फाबेट चाहिए तो यहाँ पर आप स्मॉल ए लिख दो तो यहाँ पर आपको स्मॉल अल्फाबेट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको रोमन वर्ड्स चाहिए तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आई डाल दो तो यहाँ पर आपको रोमन वर्ड्स मिल जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ये आपको रोमन वर्ड्स मिल जाएंगे। तो यार ऐसे आप ऑर्डर लिस्ट कैसे ये जो आगे वाली चीज है टाइप एट्रीब्यूट के साथ चेंज कर सकते हो। अन ऑर्डर लिस्ट में आपने अगर ये सर्कल के बदले अगर आपको स्क्वायर चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर टाइप दे दो, यहाँ पर आपको देना टाइप इक्वल टू और यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्क। अब जो डिस्क होती है यार वो डिफॉल्ट होती है आप देख सकते हो, पर अगर यहाँ पर मैं दे दू स्क्वायर तो यहाँ पर मुझे स्क्वायर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर यूएल टाइप हेडर इन एचटीएमएल। तो यहाँ पर मैं इसकी थोड़ी भूल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इसका ऐसे ओपन करता हूँ, यहाँ पर मुझे नीचे देखने को मिलेगा इसके टाइप्स। तो यहाँ पर इसके टाइप्स मुझे यहाँ पर क्यों नहीं देखने को मिल रहे हैं, इन्होंने बताया ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर मुझे इसके ऊपर बुलेट होता है यहाँ पर, हाँ मुझे पता है यहाँ पर बुलेट होता है। तो यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ हमारे मोजिला पे तो यार पक्का होगा इनका। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, ओके तो यहाँ पर देखो हम इसमें टाइप में सर्कल दे सकते हैं, डिस्क दे सकते हैं, स्क्वायर दे सकते हैं। तो यार डिस्क हम जब दे रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैं यहाँ पर डिस्क दे रहा हूँ तो तब तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप देख सकते हो। और मैं देखता हूँ डिस्क कौन सा डिफॉल्ट होता है, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर इन्होंने बताया तो नहीं होगा कौन सा डिफॉल्ट होता है, तो हम खुद ही देख लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पर डिस्क दिया हुआ है अनऑर्डर लिस्ट में तो हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा, पर अगर यहाँ पर मैं सर्कल कर दूं तो तब भी हमें कोई चेंजेस देख, ओके तो सर्कल करनी है तो यहाँ पर जो डिस्क में ये डार्क हो रहे थे सर्कल में इनकी सिर्फ आउटलाइन शो हो रही है जो भी इनका बॉर्डर है आप देख सकते हो। और यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये हमें स्क्वायर शो होंगे, तो आप देख सकते हो। तो यार ऐसे थे आप अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट के कैसे टाइप में ऐसे की आगे वाली चीजें कैसे चेंज कर सकते हो। तो सर अब हम देखेंगे सेमेंटिक टैग्स क्या होते हैं एचटीएमएल के अंदर। अब यार देखो जो भी हम टैग लिख रहे थे, जो भी हम टैग लिख रहे थे अभी तक, हर एक टैग का कुछ ना कुछ तो मतलब था। मतलब हेडिंग के लिए H1 टैग था जिसका मतलब था ये हेडिंग है, पैराग्राफ के लिए P टैग था जिसका मतलब था इसका कुछ मतलब है, P है मतलब इस टैग का कुछ मतलब है। टेबल के लिए टेबल टैग का, टेबल के लिए टेबल टैग था, टेबल से पता लग रहा था कि इस टैग का कुछ मतलब है, ये टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिस्ट के लिए हमारे पास OL और UL टैग थे, और इन्हें मैं सभी का जो भी ये चीजें ये सभी मैं कमेंट करूंगा। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इन सभी चीजों को मैं कमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पर हेडिंग्स को भी मैं कमेंट कर दूंगा। अपने सेमेंटिक टैग्स का यही मतलब होता है कि जो टैग्स कुछ अपना क्या कहते मतलब जिनका कुछ मतलब है, ठीक है, क्या जिनका कुछ मतलब है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर सर्च करता हूँ सेमेंटिक टैग्स, और यहाँ पर मुझे काफी कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सेमेंटिक टैग्स और जो ये फर्स्ट लिंक है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखो सेमेंटिक टैग का कुछ मतलब होता है, तो यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर इन्होंने सेम लिखा हुआ जो मैं आपको बता रहा था, सेमेंटिक एलिमेंट्स क्लियरली डिस्क्राइब इट्स मीनिंग टू बोथ द ब्राउजर एंड द डेवलपर। जैसे हम अभी तक क्या कहते टेबल टैग यूज कर रहे थे, मतलब जो भी चीजें अभी तक हमने जो भी टैग देखे थे वो सभी उनका कुछ ना कुछ मतलब था। और भी हम सिमेंटिक टैग देखते हैं जिसमें आप हम देख सकते हैं आर्टिकल असाइड डिटेल्स फुटर हेडर, तो हम देखते हैं यार क्या चीजें हमारे पास सिमेंटिक टैग्स में। हमारे पास एक टैग्स होते हैं जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो आप लिख देता हूँ सिमेंटिक टैग यहाँ पर मुझे होम डॉट एचटीएमएल के अंदर आना है, तो कहूंगा सिमेंटिक टैग्स।
और यहाँ पर सेमेंटिक टैग में सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल टैग, तो उनका आर्टिकल। फिर देखो आर्टिकल से आपको साफ पता लग रहा है जब आपने कोई मतलब आर्टिकल शो करना है तब आप आर्टिकल टैग यूज कर सकते हो। तो जस्ट लिख सकते हो लोन 55 हमने आर्टिकल शो होना है मतलब इसका क्या मतलब है, इसका साफ मतलब है कि हमारी वेबसाइट के अंदर जब हम नया कोई आर्टिकल शो करना है तो हम आर्टिकल टैग यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही हमारे पास नैव टैग होता है। अब ये नैव टैग हम कब यूज करते हैं, जब यार हमने नेवबार ऐड करना होता है अपनी वेबसाइट के अंदर। अच्छे से कहता हूँ, देखो यार नेवबार होता क्या है, तो यार आप देख रहे हो मतलब विजुअल स्टूडियो कोड की है वो ऊपर आप ये देख रहे हो ना, मतलब जिसमें हमें अपडेट्स ब्लॉग थे इसके ऊपर क्लिक करके हमें रीडायरेक्ट होते हैं पेजेस पे, ये एक नेवबार है। पर ये इन्होंने कैसे बनाया, ये भी एक नैव टैग के अंदर होगा क्योंकि इनके डेवलपर को काफी अच्छे से आती है HTML, तो आप देख सकते हो ये भी नैव टैग के अंदर है। तो यार नैव टैग सीधा रिप्रेजेंट करता है मतलब जब हम नैव बार यूज करना होता है, मतलब नैव बार डालना होता है अपनी वेबसाइट के अंदर। जब हमने फुटर रखना होता है अपनी वेबसाइट का तो तब हमारे पास फुटर टैग होता है जो रिप्रेजेंट करता है हमारी वेबसाइट का फुटर। तो इसमें ज्यादातर यही बताते हैं कि कॉपीराइट वगैरह, तो अपने विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट पे चलता हूं यहाँ पर भी इन्होंने बताया होगा कॉपीराइट ऐसे को। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने बताया यहाँ पर ये एटर ये सी वाला दिया हुआ है और इसे मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैं डाल दूंगा अपनी वेबसाइट के अंदर और यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट के बदले कर दूंगा कोड विद सिंह। तो मतलब यार फुटर टैग हम तब यूज करते हैं हमने जब अपनी वेबसाइट का फुटर रिप्रेजेंट करना होता है। वैसे हमारे पास फुटर होता है और भी हमारे पास यार टैग्स होते हैं, आप जाके यार टैग्स देख सकते हो अपने हिसाब से। हमारे पास सेक्शन टैग होता है, जब भी हमें क्या कहते हैं अलग अलग सेक्शन शो करना होता है अपनी वेबसाइट का तब हम सेक्शन टैग यूज कर सकते हैं। सेक्शन टैग का मतलब होता है जैसे यार एक बिल्डिंग के सेक्शन होते हैं, वैसे हमने जैसे सेक्शन रखने के लिए अपनी वेबसाइट के अंदर तो हम सेक्शन टैग का यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये हर एक सेक्शन, जैसे मैं होम वाला एक सेक्शन अलग रख सकता हूँ, अबाउट का एक सेक्शन अलग रख सकता हूँ अपने एक ही पेज के अंदर, तब हम सेक्शन यूज कर सकते हैं ये सेक्शन टैग। और जब बाकी सारे आप ये सेक्शन टैग अपने आप मतलब सेक्शन टैग सॉरी कह रहा हूँ सेमेंटिक टैग्स अपने आप ये सेमेंटिक एलिमेंट्स अपने आप एक्सप्लोर करना, जितना आप अपने आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे आपको उतना इनके बारे में ज्यादा अच्छे से जानने को मिलेगा। तो गाइस यार अब बारी है कि सबसे मेन चीज की, जो यार मेन चीज क्या है यार फॉर्म्स। यार अब यार हर एक वेबसाइट के अंदर आप कोई ना कोई फॉर्म रखते ही हो, तो यहाँ पर हम फॉर्म कॉन्टैक्ट और HTML के अंदर डालेंगे क्योंकि कॉन्टैक्ट पेज में ज्यादातर फॉर्म्स वगैरह होते हैं और हम काफी सारी चीजें देखेंगे फॉर्म्स के बारे में। यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट या उसका टाइटल चेंज करूंगा कॉन्टैक्ट फॉर्म और यहाँ पर मैं H1 में दे दिया मैंने ये और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ अपने कॉन्टैक्ट और HTML के अंदर करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ यार देखो फॉर्म ऐड करने के लिए सबसे पहले आपके पास होता है फॉर्म एलिमेंट। तो आपने यहाँ पर सिंपली फॉर्म लिखना और ये इसको एडिटर आपके लिए खुद इसे क्या करेगा यहाँ पर इसको जनरेट कर देगा, इसको ओपन टैग भी क्लोज टैग भी। और यहाँ पर जब यार वीएस कोड एडिटर ने इसे क्या करता जनरेट किया था तो हमें एक एक्शन एट्रीब्यूट देखने को मिल रहा था। यार मैं आपको सीधी बात बताऊं जब एक्शन टैग का मतलब ये है तो जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो रिक्वेस्ट जो भी डाटा वो कहां पर जाएगा। और ये आप जब बैकएंड मतलब यार समझोगे जब आप बैकएंड में काम करोगे तब आप इसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करोगे तब आपको इसके बारे में ज्यादा पता लगेगा। तो अभी के लिए बस आप क्या कर सकते हो इसे इग्नोर कर सकते हो, तो अभी मैंने इसे कट कर दिया। यहाँ पर फॉर्म टैग के अंदर अब जैसे ये फॉर्म तो आ गया हमारे पास ठीक है, पर हमें यहाँ पर शो नहीं हो रहा। अब फॉर्म में हम करते क्या है, सबसे पहले हम यूजर से कुछ इनपुट लेते हैं। तो अब यूजर से कुछ डाटा लेने के लिए हमारे पास एक टैग है जिसका नाम है इनपुट। जब मैं कहूंगा इनपुट और इसका मैंने टेक्स्ट को जो टेक्स्ट है इसे सेव करूंगा हमारी वेबसाइट के अंदर। ये देखो हमारे पास ये इनपुट आ गया जिसमें यूजर कुछ भी टाइप कर सकता है, जो भी अपना यूजर नाम बता सकता है, आप देख सकते हो यूजर अपना नाम बता सकता है, यूजर कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकता है। तो यार देखो ठीक है ऐसे में बहुत सारे इनपुट्स रख सकता हूँ और हर एक कोई भी आप वेबसाइट पे जाओगे तो फॉर्म के अंदर आप कुछ ना कुछ तो मतलब इनपुट देते ही होते हो। तो यहाँ पर मैं काफी सारे इनपुट रख लेता हूँ और यहाँ पर ये मेरे पास काफी सारे इनपुट आ गए हैं आप देख सकते हो। बट यार यूजर को कैसे पता लगेगा कि इस इनपुट के अंदर क्या रखना है, इस इनपुट के अंदर क्या रखना है, इसके अंदर क्या मतलब डालना है, इसके अंदर क्या डालना है। तो यार फिर क्या करना है, यार आप देखते होगे जब भी फॉर्म होता है किसी भी वेबसाइट पे तो वहां पर कुछ टेक्स्ट भी उसके आगे लिखा होता है जहां पर लिखा होता है कि यहाँ पर नेम सबमिट कर दे भाई, यहाँ पर अपना फोन नंबर, यहाँ पर ईमेल, यहाँ पर एड्रेस, ऐसे कुछ ना कुछ। तो उसके लिए हम लेबल यूज कर सकते हैं, लेबल टैग यूज कर सकते हैं HTML के अंदर। तो यार आप देख सकते हो लेबल टैग और यहाँ पर फोर के अंदर हमने क्या देना होता है, तो यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा बोला तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेबल टैग इन HTML। तो यहाँ पर मोज़िला की वेबसाइट पर चलते हैं इनपुट लेबल टैग और यहाँ पर मैं देखता हूँ लेबल फॉर चीज इसकी आईडी चीज। तो इनपुट फॉर सम मेंशंस पर तो लेबल टैग इज ओनली विच पर ओके। तो एसोसिएट पर देखो यार
ओके यार, जो भी लेबल टैग की स्टोर वैल्यू होती है ना वो सेम होती है इनपुट्स के आईटी टैग के। तो मतलब अब यार देखो, अब हमें जैसे मैंने आपके आपको कहा क्या कहते हैं, जो भी लेबल है वो क्या करेगा, कुछ टेक्स्ट रिप्रेजेंट करेगा, मतलब वो बताएगा कि ये जो इनपुट है वो किस, मतलब ये इनपुट कौन सा डाटा ले रहा है। फिर मैं चाहता हूँ कि ये इनपुट में यूजर नेम देता, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा यूजर नेम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर लिखा यूजर नेम, तो यहाँ पर यूजर नेम तो आ गया, ठीक है। हाँ, इनपुट के लिए। तो यहाँ पर हमें एक और एट्रीब्यूट होता है लेबल के अंदर जिसका नाम है फोर। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है आईडी नाम का, जो हर एक हम एचटीएमएल एलिमेंट में दे सकते हैं। और ये आईडी एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट आप सब सीएसएस यूज करोगे ना भाई, मतलब तब आपको ये समझ आएगा, तब आपको इसका मेन कंसेप्ट समझ आएगा। तभी मैं इसे छेड़ नहीं रहा हूँ इस एचटीएमएल कोर्स के अंदर, क्योंकि सब मैं सीएसएस का लेके आऊंगा कोर्स पूरा, उसमें मैं आपको आईडी और क्लासेस के बारे में बताऊंगा। क्योंकि यार अगर मैं आपको अभी बताते हो, मैं आपको सीधी बात कहूँ, आप अभी एक बिगिनर हो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, आपको हल्का सा डर डल जाएगा आपके मतलब दिल के अंदर, तो आपको ये थोड़ी मुश्किल से लग पड़ेगी एचटीएमएल भी। यार होता है ऐसे, यार होता है, सच्ची कह रहा हूँ, क्योंकि यार मैंने ये खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। क्योंकि यार आईडी और क्लासेस का इसमें कोई काम नहीं होता, जिस तरह हम सीएसएस यूज नहीं करते तब तक इनका हमें कोई यूज केस भी समझ नहीं आता। तो यार जो भी बिगिनर होता है उसे समझ नहीं आता और वो कंफ्यूज हो जाता है और वो एक ही चीज पे अटक जाता है, जैसे आईडी क्लासेस पे। यार देखो कोई भी चीज, किसी भी बंदे को कोई समझ नहीं आती तो वो बंदा वहां पर अटक जाता है, उसे डर लगने लग पड़ता है। मतलब यार ये ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन को जो चीज नहीं समझ आती उसे थोड़ा बहुत डरने लग पड़ता है। यार इससे तो हम इसे अच्छे से समझेंगे, तो इसके लिए हम सीएसएस के कोर्स के अंदर अच्छे से समझेंगे। पर तब भी बस आप समझ लो, फोर के अंदर जो भी हम यहाँ पर वैल्यू देते हैं वो आईडी के इक्वल होनी चाहिए, हम उनका यूजर नेम। तो यहाँ पर इनपुट की आईडी क्या है, यूजर नेम। तो वैसे मैं आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं आईडी, जैसे स्कूल में हर एक बच्चे की आईडी होती है और हर एक बच्चे की आईडी यूनिक होती है, एक सेम आईडी किसी बच्चे के पास नहीं होती। वैसे एचटीएमएल के अंदर भी हर एलिमेंट के पास हम एक आईडी दे सकते हैं और जो भी आईडी होती है वो हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक होती है। तो फोर की वैल्यू, अब यार ये मतलब ब्राउजर को कैसे पता लगेगा ये लेबल किसके लिए है, किस इनपुट के लिए है। तो हमें यहाँ पर फोर एट्रीब्यूट देना पड़ता है जिसमें हमें आईडी जो भी इनपुट की है वो बतानी पड़ती है। तो इसका मतलब ये लेबल हमारे यूजर नेम इनपुट के लिए है। तो मैं एक और लेबल दूंगा, तो यहाँ पर दूंगा लेबल और ये होगा हमारा, हम कहेंगे यूजर की ईमेल। तो यहाँ पर मैं इसकी आईडी कर दूंगा इक्वल टू ईमेल के बराबर, और यहाँ पर मैं कहूंगा ईमेल ईमेल और यहाँ पर कर दूंगा ईमेल। तो एक और मैं एट्रीब्यूट दूंगा लेबल और यहाँ पर मैं कहूंगा इसके फोन नंबर। तो यहाँ पर कहूंगा फोन नंबर और यहाँ पर कहूंगा आईडी इक्वल्स टू फोन नंबर और चीजें मुझे नहीं चाहिए अभी। तो यहाँ पर अब मैं अपने वेबसाइट पे आता हूँ। तो अब यार यूजर को भी पता लग रहा है ये फॉर्म किसके लिए, यहाँ पर यूजर ने सबसे पहले यूजर ने बताना है, यूजर अपना यूजर ने बता सकता है। यहाँ पर जैसे मैं अपना नाम दे देता हूँ तरणजोत सिंह, तो मेरा यूजर नेम होगा तरणजोत सिंह। ईमेल में मैं अपने कोई भी ईमेल दे सकता हूँ, जैसे kaudvijsinh@kaudvijsinh.com और यहाँ पर फोन नंबर में मैं कोई भी फोन नंबर दे सकता हूँ। पर यार देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, हर एक इनपुट मतलब हमारे पास और भी इनपुट के टाइप्स होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर ये मुझे ईमेल चाहिए यहाँ पर यूजर की। तो यहाँ पर देखो अब यूजर यहाँ पर कुछ भी डाल, अगर यूजर ने यहाँ पर मैंने इनपुट की टाइप क्या दी हुई है टेक्स्ट। तो यहाँ पर जब हम इनपुट की टाइप टेक्स्ट देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये इनपुट क्या कर रहा है, बस एक टेक्स्ट लेगा यूजर से, ठीक है। यहाँ पर यूजर कुछ भी डालते हैं, एड्रेस डालते हैं, वो नंबर डालते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारे एक टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा। पर यहाँ पर हम यूजर की ईमेल ले रहे हैं। तो यहाँ पर यूजर अगर ईमेल में कुछ ऐसे ही रखते कि कुछ ईमेल दे ना, फिर क्या होगा यार, हमारी वेबसाइट तो ऐसे यार क्रैश हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट के बदले ईमेल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा यहाँ पर, अब मैं अपनी वेबसाइट को जैसे ये रिफ्रेश हुई है तो मैं यूजर नेम में तो कुछ भी टेक्स्ट दे सकता हूँ, यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट दे दिया। पर ईमेल में अगर मैं कुछ भी ऐसे लिख दूं, देख सकते हो अगर मैंने इसमें कुछ भी ऐसे लिख दिया, तो यार देखो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे ही लिखते हैं और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फॉर्म सबमिट भी दूंगा, मतलब फॉर्म सबमिट के लिए बटन भी दूंगा, मैं एक बटन दूंगा जिसका मैं टाइप कर दूंगा सबमिट के इक्वल। अगर हम बटन देने के लिए अपने क्या कहते हैं वेबसाइट के अंदर हमारे पास बटन एलिमेंट होता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं इसका दे दूंगा सबमिट
अब यार आप देख सकते हो हर एक फॉर्म के अंदर एक बटन होता है जो सबमिट करता है। अब मैं ईमेल के अंदर कुछ भी ऐसा टेक्स्ट लिख देता हूँ, यूजर नेम में भी कुछ भी ऐसा टेक्स्ट लिख दिया, सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यार देखना यहाँ पर मुझे एक एरर आ रहा है, ये कह रहा है प्लीज इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस। मतलब जब हम इसके टाइप सिक्स ईमेल कर देते हैं तो ब्राउजर जब ये फॉर्म सबमिट होता है तो चेक करता है और यूजर को कहता है कि भाई साहब आपने यहाँ पर एड्रेस नहीं बताया, मतलब आपको यहाँ पर अपनी ईमेल बतानी है। तो यहाँ पर मैं इसकी कर दूंगा gmail.com और ऐसे कोई ईमेल है ही नहीं, वैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ। अब मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे फॉर्म सबमिट हुआ, पर मैं इससे कोई बैकएंड में हैंडल नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। पर तब भी यार हम यहाँ पर अब देखो अब ये फोन नंबर के अंदर यूजर अपना कुछ टेक्स्ट भी दे पा रहा है, यूजर कुछ नंबर भी बता पा रहा है। अब यार ऐसे भी हमारी वेबसाइट क्रैश होगी तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इसका टाइप इक्वल्स टू नंबर कर सकता हूँ टेक्स्ट के बदले, टाइप इक्वल्स टू नंबर। और यहाँ पर अब यूजर यहाँ पर सिर्फ कुछ नंबर ही बता पाएगा, तो आप बताता हूँ यहाँ पर अब यूजर कोई भी नंबर ही बता पा रहे हैं। यार यही था क्या कहते हैं फोन के अंदर ये इनपुट्स, और भी हम इनपुट्स देखते हैं और भी अब, और क्या कहते हैं चेकबॉक्स भी आपने कभी किसी फोन के अंदर देखा होगा, तो यहाँ पर मैं कहूंगा इनपुट इसका टाइप कर दूंगा चेकबॉक्स, ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं कर दूंगा चेकबुक और इसकी वैल्यू मैं कर दूंगा जैसे मेल, और एक और चेकबॉक्स रखूंगा और यहाँ पर मैं एक और चेकबॉक्स रखूंगा जिसकी मैं वैल्यू कर दूंगा फीमेल, ठीक है। हाँ यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर दो चेकबॉक्स भी आ गए हैं, आप देख सकते हो दो चेकबॉक्स भी आए हैं जिनकी मैंने वैल्यू रखी है मेल और फीमेल। अब यार मुझे यहाँ पर लेबल भी बताना होगा तो यहाँ पर कहूंगा लेबल और यहाँ पर मैं कर दूंगा मेल और यहाँ पर मैं इसकी आईडी कर दूंगा इक्वल टू मेल के ऊपर मेल और उसका मैं कर दूंगा मेल, और मतलब मैं यूज करके जेंडर पूछ रहा हूँ यहाँ पर, तो कंट्रोल इसे कॉपी करता हूँ पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर कर दूंगा फीमेल और यहाँ पर फोन के बदले मैं कर दूंगा फीमेल उसकी आईडी कर दूंगा फीमेल। तो अब यार मुझे यहाँ पर पता लग रहा है ये मेल के लिए चेकबुक्स है, अब ये फीमेल के लिए। अब कोई लड़की बढ़ेगी तो यहाँ पर वो फीमेल सेलेक्ट करेगी, कोई बंदा बढ़ेगा तो यहाँ पर वो मेल सेलेक्ट करेगा। पर ये हो क्या रहा है, अब कोई बंदा मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, मतलब यार ये क्या हो रहा है, या तो यहाँ पर कुछ अदर्स लिखते हैं हम तो। पर यार तब भी यार ये बंदा क्या कर पा रहा है, अब ये दोनों सेलेक्ट कर पा रहे हैं चेकबुक्स को, ये ऐसा हो ही नहीं सकता यार, बंदा दो चेकबुक कैसे सेलेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए मुझे चेकबुक्स को एक ग्रुप के अंदर रखना होगा, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप के अंदर रखने के लिए यहाँ पर क्या करूंगा, इनके एक नेम वैल्यू दे दूंगा जो मैं दूंगा जेंडर, और जो मेरा चेकबुक्स है जिसकी वैल्यू मैंने फीमेल दी उसका भी मैं नेम कर दूंगा जेंडर। तो जब मैं इनका नेम इक्वल देता हूँ, मतलब सेम देता हूँ, जब भी मैं दो चेकबॉक्स या तीन चेकबॉक्स या चार चेकबॉक्स का जो भी नेम है वो इक्वल देता हूँ सेम देता हूँ, तो वहां पर क्या होता है वो एक ग्रुप में आ जाते हैं। अब मैं इन दोनों में सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर इन दोनों में मैं एक सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसका नेम दिया जेंडर और इसका भी नेम मैंने दिया जेंडर और टाइप सिक्वेंस टू चेकबॉक्स। तो यार सॉरी यहाँ पर मैंने टाइप सिक्वेंस टू चेकबॉक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर मुझे टाइप सिक्वेंस के इसके चेकबॉक्स नहीं देना। तो अभी तक मैं जो भी चीज मैं आपको बता रहा था वो मैं रेडियो समझ के बता रहा था, यहाँ पर मुझे चेकबॉक्स नहीं बताना, तो मैं इसके टाइप रेडियो करूंगा। अब यार ये रेडियो बटन कौन से होते हैं अभी आपको समझ आएगा। तो यार रेडियो बटन ऐसे होते हैं कि जो हम सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यार ये होते हैं रेडियो बटन। अभी तक मैं जो भी आपको चीजें बता रहा था वो रेडियो बटन के रिलेटेड बता रहा था, तो सॉरी यार जो भी अभी तक मैंने आपको चीजें बताई है प्लीज उसे रेडियो बटन के लिए समझना। तो यहाँ पर जो भी चीज होती है वो रेडियो बटन के लिए होती है। चेकबॉक्स तो हम काफी सारे रख ही सकते हैं अपने क्या कहते हैं फोन के अंदर। सॉरी यार मैं रेडियो बटन और चेकबॉक्स में खुद ही कंफ्यूज हो गया था, पर तब भी यार एंड में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो चेकबॉक्स हम एक ग्रुप में रख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि यार देखो यूजर क्या करते हैं एक ही चेकबॉक्स को यार चेक कर सकते हैं, ये होता ही है। तो यहाँ पर हम ऐसे चेकबॉक्स को ग्रुप में कर लेते हैं, ठीक है। अब यार मतलब चेकबॉक्स नहीं सॉरी यार रेडियो बटन को हम ऐसे ग्रुप में कर लेते हैं। मैं फिर से चेकबॉक्स कर रहा हूँ और सॉरी यार मैं रात को वीडियो करके बनाता हूँ तो यार वो थोड़ी नींद से आती होती तो वैसे मिस्टेक हो जाती है, पर ये जल्दी मेरे से होती नहीं है, पर तब भी यार सॉरी प्लीज यार कॉम्प्रोमाइज करना थोड़ा। और आशा करता हूँ आपको समझ आएगा कि ये चेकबॉक्स वाला क्या होता है। और ऐसे हमारे पास और भी इनपुट्स होते हैं फॉर्म के लिए, तो आप खुद जाके एक्सप्लोर करें तो आपको अच्छे से पता लगेगा इसके बारे में। तो गॉड्स यार आज की इस वीडियो में इतना ही, और हमने काफी अच्छे से HTML सीखी है। और अब मैं आपको कहूंगा कि यार आप थोड़ी सी HTML की मदद से कुछ फॉर्म्स बनाओ, कुछ वेबसाइट है हल्की सी जो चीजें है थोड़ी प्रैक्टिस करो, और उसके बाद आप CSS सीखनी स्टार्ट कर दो और आप फिर अच्छे से वेबसाइट बना पाओगे। तो गाइस यार आज की इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कमेंट करके जरूर बताना, और जब आप कमेंट करते हो यार तब भी बहुत अच्छा लगता है, प्लीज सर कमेंट करना। तो गाइस यार चलो इस वीडियो को एंड करते हैं।